الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. जजाक अल्लाह जी। हमारे सेकंड लास्ट चैप्टर का आज इंशाल्लाह आखिरी दिन होगा। कोशिश करेंगे आज इसको वाइंड अप करने की। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव एजुकेशन से। इसका नाम हमें बता रहा है कि हम जो एजुकेशन सिस्टम है डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट नेशंस के, मुख्तलिफ इलाकों के, उनको हम आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम देखेंगे कि उनका जो सेटअप है, जिन जिन थियरीज़ को, जिन प्रैक्टिसेस को वो फॉलो कर रहे हैं, उनको क्या हम फॉलो करें। इस तरह के जो प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ रहे हैं अब इस सिचुएशन में, तो इसी सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में किसी दूसरे मुल्क ने अगर उसी प्रॉब्लम को फेस किया तो उसका सलूशन उन्होंने कैसे निकाला। तो इस तरह से हम एक मुल्क के अंदर एक एजुकेशन सिस्टम को, थियरीज़ को, एग्जिस्टिंग उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको किसी दूसरे मुल्क के साथ कंपेयर करके फिर अपने प्रॉब्लम का सलूशन देखते हैं, या उन प्रैक्टिसेस को अगर वो हमारे लिए सूटेबल होती हैं तो हम अडॉप्ट भी करते हैं। इसको कंपैरेटिव एजुकेशन कहा जाता है। एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी दैट एग्जामिन एजुकेशन इन वन कंट्री बाय यूजिंग डाटा एंड इनसाइट ड्रॉन फ्रॉम प्रैक्टिसेस एंड सिचुएशन इन अनदर कंट्री। पाकिस्तान में हम देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम क्या है। इससे पहले हम क्या करेंगे, किसी और इंडिया को, जापान को, अमेरिका को, ब्रिटिश को, रशिया को, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसको, उससे डाटा कलेक्ट करेंगे, कितने नंबर ऑफ़ स्कूल्स हैं, प्राइमरी एजुकेशन कैसी है, एलिमेंट्री कैसी है, सेकेंडरी कैसी है, हायर कैसी है, पब्लिक है, प्राइवेट है, सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो कैसी है, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है, एट्सेट्रा। फिर हम अपने मुल्क में देखेंगे हमारा सिस्टम क्या है। तो इन दोनों को अब हम कंपेयर कर रहे हैं। एक मुल्क से हमने डाटा देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, फिर दूसरे के साथ उसको कंपेयर किया। इसको कंपेरेटिव एजुकेशन कहा जाता है। इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी से मुराद इसमें काफ़ी सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं, जैसे फिलॉसफी है, फिलॉसफिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे हम वहाँ पे कि उनके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। इसी तरह सोशियोलॉजिकल हम देखेंगे कि वो अपने कल्चर को, ट्रेंड्स को, ट्रेडिशंस को, कितना उनके करिकुलम में ये चीज़ें शामिल हैं, हिस्ट्री उनकी कितनी शामिल है, एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमन बीइंग है इनकी स्टडी, तो ह्यूमन नेचर, ये चीज़ें कितनी शामिल हैं किसी भी मुल्क के एजुकेशन सिस्टम में। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट या डिसिप्लिन को एट अ टाइम हम इसमें स्टडी कर रहे होते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस, अब यही जो हमने डाटा लिया, उनका एजुकेशन सिस्टम है, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं, लर्निंग या टीचिंग थीरीज़ हैं, उनकी एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, असेसमेंट का जो क्राइटेरिया है, इन सारी चीज़ों को हम अब क्या करते हैं, एक मुल्क और दूसरे मुल्क का जब आपस में कंपेयर करते हैं तो इसको कंपेरेटिव एनालिसिस कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एजुकेशनल सिस्टम मेथड्स थीरीज़ और पॉलिसीज़ विद एन एम ऑफ असेसिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ एडवांटेजेस आर वैल्यू ऑफ वन थिंग ओवर अदर। एक दूसरे का मुकम्मल जो सिस्टम है उसको हम कंपेयर करते हैं, कौन ज़्यादा, किस का सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव है, अडोप्टेबल है, किसका नहीं है, तो इसको कंपेरेटिव एनालिसिस कहा जाता है। इसकी चार फॉर्म्स होती हैं कंपेरेटिव एजुकेशन की। सबसे पहले है कंपेरेटिव पेडागोजी। इसका नाम हमें बता रहा है कि इसमें हम क्या चीज़ देखेंगे, टीचिंग मेथड्स को देखेंगे कि अमेरिका में, इंडिया में टीचिंग मेथडोलॉजीज़ कौन सी यूज़ की जा रही हैं, पाकिस्तान में कौन सी की जा रही हैं। तो ये इसकी पहली फॉर्म है कंपेरेटिव पेडागोजी। दूसरी है इंट्रा कल्चरल एनालिसिस। कल्चर को, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, फिलोसफिकल जो इश्यूज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, ये चीज़ें उनके करिकुलम में एक मुल्क के और दूसरे मुल्क में कितनी शामिल हैं, कितनी नहीं हैं, तो उनका क्या, उनके असरात क्या हैं, तो ये दूसरी इसकी फॉर्म है, इसको इंट्रा कल्चरल एनालिसिस कहा जाता है। तीसरी है इंटरनेशनल एजुकेशन। वो मजामीन जो अक्रॉस द बॉर्डर्स चलते हैं, मसलन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंटल, जी सर, ये जो इंट्रा एक्ट्रा का मतलब तो विद इन है, तो सर ये इंटर होगा या इंट्रा होगा सर, ये जो दूसरे मुल्क के साथ कंपेयर हम कर रहे हैं सर। देखिए इंट्रा कल्चरल में, जैसे मैं आपकी बात थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ,
जैसे आप देखें ना, सिंध की अगर हम बात करें, पंजाब की अगर हम बात करें, बलूचिस्तान की, तो हमारे कल्चर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, सिंधी कल्चर में, बलोची कल्चर में, पश्तून कल्चर में। तो जब ये बात इंट्रा की आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि किसी एक ही मुल्क के डिफरेंट इलाकों को आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे इंटर की बात होगी, तो आप एक से ज़्यादा नेशंस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस बॉर्डर्स आप चल रहे हैं, तो ये इंट्रा इंटर बन जाएगा। इंट्रा है, जैसे आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ये है कि एक ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अब इलाके हैं, तो उनके कल्चर्स को हम स्टडी कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं करिकुलम के अंदर, तो ये इंट्रा होगा। क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा, इंटरनेशनल एजुकेशन। अब यानी ये आपने ये अपने माइंड में ये चीज़ बिठानी है कि कंपेरेटिव एजुकेशन का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आप पाकिस्तान और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कंपेयर कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप किसी एक मुल्क के अंदर एक एरिया को और दूसरे एरिया को स्टडी कर रहे हो और उनको आपस में कंपेयर कर रहे हो, तो ये भी कंपेरेटिव की टर्म में आता है। देन इंटरनेशनल एजुकेशन, अक्रॉस द बॉर्डर्स जो सब्जेक्ट चलते हैं, मसलन जैसे मैं बता रहा था कि ह्यूमैनिटीज़ है, अखलाकियात के सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह जो इन्वायरमेंटल साइंस है, एग्रीकल्चर है, ये ऐसे मजामीन हैं जो अक्रॉस द नेशन चलते हैं, अक्रॉस द बॉर्डर्स चलते हैं, तो मुख्तलिफ ममालिक में ये चल रहे होते हैं और सारे लोग इसको, जैसे फिजिकल एजुकेशन है, ईसी एजुकेशन है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज लर्निंग दैट टेक्स प्लेस अक्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल करिकुलम और इंटरनेशनल स्कूल्स, तो यानी ये वो तालीम है जो अक्रॉस द बॉर्डर चलती है। देन है डेवलपमेंटल एजुकेशन या डेवलपमेंट एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट एजुकेशन मेथड्स एंड टेक्निक्स, डिफरेंट एजुकेशनल जो थीरीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, लर्निंग थीरीज हैं, इनकी डेवलपमेंट एजुकेशनल मेथड्स की या टेक्निक्स की, ये किस में आएगा? डेवलपमेंट एजुकेशन में। तो इसकी चार फॉर्म्स हैं और इसके तीन बेसिक मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक सोशल साइंस मेथड है और तीसरा कन्वेक्शनल मेथड है। जो ट्रेडिशनल मेथड है, इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, डिस्क्रिप्टिव और सेलेक्टिव एजुकेशनल बोरोइंग। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि अब यहाँ पे एक मुल्क की बात हम कर लेते हैं, दो कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर कर लेते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में तो टोटल नंबर ऑफ़ जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, नंबर ऑफ़ प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स कितनी है, टीचर स्टूडेंट रेशो की कितनी है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब, जैसे हमने पहले भी पढ़ा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, कि करंट जो उसकी सिचुएशन है या स्ट्रक्चर है, हम वो देखते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल में करंट के वहाँ पे किस तरह की पॉलिसीज़ हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है, कितने स्कूल्स हैं, एसटीआर क्या है और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कितने टीचर्स हैं एक विंग के लिए, एक क्लास के लिए, एट्सेट्रा, ये चीज़ें हम देखते हैं। दूसरा है सेलेक्टिव एजुकेशनल बोरोइंग। इसमें ये होता है कि एक मुल्क से हम देखते हैं कि हमें फ़र्ज़ करें इसी के बच्चों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स ये आ रहे हैं कि हमारे इसी के बच्चों की इनरोलमेंट नहीं बढ़ रही और जो बच्चे आते हैं उनमें एब्सेंटिज्म ज़्यादा है, अब ये हमारे इश्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जापान में भी इस तरह का इशू आया था, उन्होंने इसको कैसे टैकल किया। तो एजुकेशनल सेलेक्टिव एजुकेशनल बोरोइंग में हम सेलेक्टिव जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम किसी और मुल्क से उसका सोल्यूशन देखते हैं, उन्होंने इस पर क्या काम किया, कैसे काम किया और उसका सोल्यूशन कैसे निकाला। तो ट्रेडिशनल मेथड में डिस्क्रिप्टिव मेथड है और सेलेक्टिव एजुकेशनल बोरोइंग, ये दो चीज़ें आती हैं। देन है सोशल साइंस मेथडोलॉजी। सोशल साइंस मेथडोलॉजी में तीन अप्रोचेज हैं, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल और सोशियोलॉजिकल। हिस्टोरिकल में हिस्ट्री देखते हैं उस स्टेट की, उस इलाके की, उस कौम की, उस मुल्क की हिस्ट्री, उसके एजुकेशनल सिस्टम की हिस्ट्री। फिलोसफिकल अप्रोच, उसमें हम ये देखते हैं कि इनके कितने, किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अपनी तालीम में, एजुकेशन में शामिल किए हुए हैं। सोशियोलॉजिकल अप्रोच, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशंस को, उनकी वैल्यूज़ को, ये चीज़ें हम देखते और कंपेयर करते हैं। तो ये सोशल साइंस मेथडोलॉजी है। देन है कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल में सिस्टमेटिक एरिया स्टडी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। सिस्टमेटिक एरिया स्टडी से मुराद ये है कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया को हम स्टडी करेंगे, मतलब हम पूरी स्टेट को नहीं देखते, उसके किसी प्रोविंस को, उसके किसी एक गांव को, एक शहर को, एक स्टेट को हम देखेंगे उसके अंदर से और उसको स्टडी करेंगे और फिर दूसरी के साथ उसको कंपेयर करेंगे। ये सिस्टमेटिक एरिया स्टडी है। देन है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो इसमें हम, जैसे ऊपर हमने बात की है सेलेक्टिव एजुकेशनल बोरोइंग में, तो इसमें भी उसी तरह हम क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमें फेस कर रहे हैं, हम पंजाब में कर रहे हैं, सिंध ने उसका सोल्यूशन पहले से कोई निकाला हुआ है,
सिंध को प्रॉब्लम है तो पंजाब ने उस पर जो काम किया हुआ है, तो इस तरह से हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने सॉल्व किया था, वही फिर अडॉप्ट की जाती हैं। चार फॉर्म्स और तीन मेथड्स होते हैं बेसिक। फॉर्म्स कौन सी हैं? कंपैरेटिव पेडागोजी, इंट्रा कल्चरल एनालिसिस, इंटरनेशनल एजुकेशन, डेवलपमेंटल एजुकेशन। बेसिक मेथड्स जो हैं ट्रेडिशनल मेथड, सोशल साइंस मेथड और कन्वेक्शनल मेथड। एजुकेशनल बोरोइंग के डेफिनेशन मैंने आपको बता दिए। देन आता है ये बाकी, तो आपको फिलोसफिकल के जो सोशियोलॉजिकल का उनको तो आसान सा है कि फिलोसफिकल में हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, एम्स देखते हैं, एक्सपेक्टेशंस देखते हैं कि उनके करिकुलम में, एजुकेशनल सिस्टम में क्या है उनके ऑब्जेक्टिव्स। सोशियोलॉजिकल में हम कल्चरल वैल्यूज़, ट्रेडिशंस को देखते हैं। और जो हिस्टोरिकल है, इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टेज, प्रिडिक्टिव स्टेज और साइंटिफिक स्टेज। डिस्क्रिप्टिव में करंट सिचुएशन जो मौजूद है, उसके बाद प्रिडिक्टिव स्टेज के ये फ्यूचर में कितना इनका जो है उसका स्कोप या फ्यूचर में कितना ये आगे जा सकते हैं, और साइंटिफिक स्टेज हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी जो अडॉप्ट करते हैं। तो तीन इसकी स्टेज होती हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव और साइंटिफिक। देन एक इम्पॉर्टेंट नाम है जॉर्ज बेरिडे। जॉर्ज बेरिडे इसको पायनियर कहा जाता है, फादर कहा जाता है कंपैरेटिव एजुकेशन का, और इसने जो कंपैरेटिव एजुकेशन को स्टडी करने का जो मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, उसके चार उसकी स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज है ये है डिस्क्रिप्शन एंड डाटा कलेक्शन। अब इसमें क्या किया जाता है कि डाटा कलेक्ट किया जाता है, मालदीव से डाटा कलेक्ट किया जाएगा, फ़र्ज़ करें कंट्री, या बांग्लादेश से किया जा रहा है डाटा कलेक्ट किया जाएगा, पेडागोजिकल डाटा कलेक्शन फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़, बांग्लादेश से, इंडिया से किया जाएगा। अब ये पहला स्टेप हो गया कि बांग्लादेश और इंडिया का जो प्राइमरी विंग है उसका जो कंप्लीट डाटा है वो कलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद है इंटरप्रटेशन, एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड डाटा। अब जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसका एनालिसिस दूसरे स्टेप पे। देन है जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन में यानी डाटा एनालिसिस अलग अलग कर लिया गया है कि ये उसका नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, ये ड्रॉप आउट रेट है, ये इनरोलमेंट रेट है, इसी तरह ये जो है पासिंग परसेंटेज है स्टूडेंट्स की, वगैरह वगैरह। तो दूसरे नंबर पे ये एनालिसिस हो गया। तो तीसरे नंबर पे है जक्स्टापोजिशन। अब जो दो ममालिक हैं, हमने बात की कि बांग्लादेश और इंडिया का हमने डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा को एनालाइज कर लिया। एनालिसिस के बाद हम अब कंपैरिजन क्राइटेरिया सेट करेंगे कि किस क्राइटेरिया के बेस पे इनके प्राइमरी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कंपेयर किया जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जक्स्टापोजिशन में, वो क्राइटेरिया सेट करते हैं, प्रिलिमिनरी कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। तो इस स्टेज पे आके हम वो क्राइटेरिया सेट करेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे। देन जो लास्ट स्टेज है इसमें हम उसको कंपेयर करेंगे क्राइटेरिया, यानी हम इस बेस पे कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि इनरोलमेंट रेट और ड्रॉप आउट रेट कितना है इंडिया और बांग्लादेश का, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये हमने क्राइटेरिया सेट कर लिया। तो ये जक्स्टापोजिशन में आप करते हैं। तो ये क्राइटेरिया सेट हो गया, देन अब हम कंपैरिजन करेंगे कि उनका एकेडमिक ईयर जो है 2021-22 में उनका कोई नेट इनरोलमेंट उनकी कितनी थी, ग्रॉस कितनी थी, ड्रॉप आउट कितना था, क्यों था और किस स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा था, इसी तरह बांग्लादेश का भी हम करेंगे। तो ये कंपैरिजन में आएगा। तो चार स्टेजेस जॉर्ज बेरिडे ने बताई हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन एंड डाटा कलेक्शन, फिर दूसरे नंबर पे इंटरप्रिटेशन, तीसरे नंबर पे जक्स्टापोजिशन एंड चौथे नंबर पे कंपैरिजन है। जी सिदरा एजाज मौजूद हैं क्लास में। उसके बाद ही परसीव्ड कंपैरेटिव एजुकेशन, इसने कहा कि कंपैरेटिव एजुकेशन ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी है स्कूल्स की, यानी कि ये आप काइंडली फिर स्टूडेंट्स को ऐड करते जाइएगा साथ साथ। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है स्कूल्स की, जिसका जो मेजर टास्क है वो क्या है कि टू डिड्यूस लेसन आर प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट कंट्रीज़, के जो डिफरेंट ममालिक में जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं तो उससे डिडक्ट करना। डिडक्शन से क्या मुराद है कि कौन बताएगा, व्हाट इज डिडक्शन? जी जी सर, डिडक्टिव डिडक्शन या डिडक्टिव सर? एक ही बात है, डिडक्शन इंडक्शन, इंडक्शन इंडक्टिव से है, डिडक्शन जो है वो डिड्यूसिंग, ये इसी से है।
एक ही बात है। वो जहां तो स्पेसिफिक बात है सर। हाँ जी, हाँ जी, वही वाली जी सर, जी, बताएं। सर डिडक्शन में तो जनरल टू स्पेसिफिक होता है सर। हाँ जी, यहाँ पे जो एग्जाम्पल इसकी आई है या बात हुई है, टू डिड्यूस लेसन आर प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट कंट्रीज, इससे क्या मुराद होगा? यानी बेरिडे ने कहा कि कंपैरेटिव एजुकेशन पॉलिटिकल ज्योग्राफी है स्कूल्स की, यानी दुनिया के किसी भी कोने में कोई एक कोई बाउंड्री नहीं है स्कूल्स की या कंपैरेटिव एजुकेशन की। हम किसी भी मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ एजुकेशन सिस्टम कंपेयर कर सकते हैं। तो डिड्यूस से मुराद ये है कि वहाँ पे अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, हम उसको एग्जाम्पल बना के यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। उसने एक टीचिंग मेथडोलॉजी है, एक लर्निंग थ्योरी है, वहाँ पे उसकी प्रैक्टिस हुई, उसके रिजल्ट्स अच्छे आए, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम उसको जो है यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें हमारे SNC में स्टेम जो है उसको शामिल किया गया है, तो स्टेम बेसिकली ये एक US कंपटीशन है, तो उस अप्रोच को उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो उनका क्राइटेरिया है असेसमेंट का उसको शामिल किया गया है, किसके अंदर? हमारा जो SNC है उसके अंदर। तो ये भी एक इसी की एग्जांपल हो सकती है। अकॉर्डिंग टू किड, किड ने कहा कि बेरिडे का जो मेथड है वो सबसे बेस्ट नाउन मेथड है कंपैरेटिव एजुकेशन में, क्योंकि इसमें उसने जो बेरिडे है उसने कहा कि जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एक लार्जर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। यानी ये नहीं है कि कोई एक एजुकेशन सिस्टम किसी एक मुल्क में महदूद है, उसकी लिमिटेशन कोई नहीं है। तो जैसे ऊपर बात हुई है कि उसने कहा कि ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी है कंपैरेटिव एजुकेशन। देन होम्स की बात है, होम्स ने कहा कि जो कंपैरेटिव एजुकेशन है, स्टार्ट में जो पायनियर इसके थे वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। एडमिनिस्ट्रेटर कैसे थे कि वो देखते थे कि फलां का जो निज़ाम तालीम है वो बहुत अच्छा, जैसे आज तक हम ग्रीक को पढ़ रहे हैं कि ग्रीक जो फिलासफर हैं सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, इसी तरह प्लेटो, तो इन लोगों को हम आज तक पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये उनका जो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं वो आज तक क्यों इम्प्लीमेंट हो रही हैं, क्योंकि वो इफ़ेक्टिव हैं, आज भी उनका इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। तो होल्म्स ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए यूज़ करते थे इनको क्योंकि वो देखते थे कि हमारा जो निज़ाम तालीम है वो बहुत पीछे है, तो फलां जो है वो आगे है। जैसे हम लोग अक्सर जब अपने स्कूलों में सुनते या मिसालें देते हैं जापान की, तो इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर स्टार्ट इन्होंने किया, किसने? एडमिनिस्ट्रेटर ने किया कंपैरेटिव एजुकेशन को। होल्म ने कहा कि कंपैरेटिव जो एजुकेशन है ये अडॉप्टेशन, इसने जो अपना मेथड बनाया तो वो जोहन डेवी को इसने कॉपी किया, और इसने कहा कि जो केस स्टडी और एरिया स्टडी है ये मेजर वर्क होना चाहिए कंपैरेटिव एजुकेशन का। यानी आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया को, किसी एक केस को स्टडी करें बजाय इसके कि पूरे के पूरे। जॉर्ज जी ब्रैडी होगा, होम्स होगा सर, पाइनर, ये दोनों होंगे सर। जी जी दोनों हैं, तो इन्होंने भी बात की है, लेकिन इनका नाम ज़्यादा आता है, जॉर्ज बेरिडे का। इन्होंने भी काम किया, इन्होंने भी किया। होम्स ने कहा कि कंपैरेटिव एजुकेशन में हमारा जो मेजर फोकस है वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे होना चाहिए, यानी किसी एक केस को हम स्टडी करें। मसलन इनरोलमेंट रेट बढ़ाना है, मसलन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अडोप्टेशन है, कोई एक एरिया ले सकते हैं, उसको स्टडी करें एक जगह, फिर उसको दूसरी जगह अप्लाई करें। तो आपके पास जब भी MCQs में नाम आएगा, या तो एक आएगा इनमें से, या फिर ये है कि ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन बोथ का भी मिलेगा या ऑल ऑफ दीज का भी मिलेगा। आगे भी अगली स्लाइड पे भी हम कुछ नाम पढ़ेंगे अभी। नो ने कहा, वैसे इसको नू जो हमारा अरबी में होता है, नोहा भी इसकी प्रोनंसिएशन है। कंपैरेटिव एजुकेशन, इसने कहा कि ये एस्टेब्लिश करता है कंपैरेटिव स्टैंडर्ड। कंपैरेटिव स्टैंडर्ड से क्या मुराद है कि फलां को देखें जी, उसकी वो इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, उसका एजुकेशन सिस्टम ये है। जैसे कल भी शायद मैंने आपको बताया था कि जापान में 5 साल तक की एज के तक बच्चे की कोई असेसमेंट नहीं होती, बिल्कुल उससे कोई टेस्ट नहीं लिया जाता, ठीक है। उसको खेल कूद में अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो जहाँ उसका इंटरेस्ट होता है तो उसी में उसको इंगेज रखा जाता है। तो कंपैरेटिव स्टैंडर्ड्स कायम करने के लिए कंपैरेटिव एजुकेशन को यूज़ किया जाता है, नोहा ने कहा। ऑब्जेक्टिव्स फॉर कंपैरेटिव एजुकेशन आर हाईलाइटिंग रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। दूसरी इसने बात की कि एजुकेशन और सोसाइटी के दरमियान जो रिलेशन है इसको हाईलाइट करने के लिए
जो कंपैरेटिव एजुकेशन है वो हम स्टडी करते हैं। यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सोसाइटी और एजुकेशन के दरमियान एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना, असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस। ये हमें असिस्ट करता है कि हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को उस तरह से एस्टेब्लिश करें और अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं जो हम ड्रा करते हैं किसी भी दूसरे मुल्क के सिस्टम से, हम उनको भी इम्प्लीमेंट करें। नोहा एंड एक्सटीन कंक्लूडेड दैट कंपेरेटिव एजुकेशन हैव वन फुट इन पेडागोजी एंड सेकेंड इन सोशियोलॉजी। और दूसरा इन्होंने कहा कि क्रॉस वर्क, जो क्रॉस नेशन वर्क है वो मैंडेटरी है। यानी आप एक ही मुल्क के अंदर आप अपने डिफरेंट सूबों को स्टडी करने के बजाय क्या करें, क्रॉस नेशन बात करें, इंडिया पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान रशिया की बात करें। तो ये जैसे अब अगर हमारे उसमें जो सार कंट्रीज़ हैं उसमें अगर हम देखें तो जो मालदीप है आई थिंक उसका जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है, फिर श्रीलंका का है आई थिंक सो। तो इन्होंने ये बात की है कि आप जो है अपने पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध को कंपेयर ना करें बल्कि अक्रॉस द नेशन चलें। और दूसरा इन्होंने कहा कि कंपेरेटिव एजुकेशन जो है पैडागोजी और सोशियोलॉजी ये दोनों पे फोकस कर रहा होता है, यानी टीचिंग मेथडोलॉजीज़ पे भी, कल्चरल ट्रेडिशन और वैल्यूज़ पे भी। उसके बाद ये एक बेस्ट नाउन अप्रोच है, एवोलोला अप्रोच 1986 में ये दी गई है। तो इसके आठ अप्रोचेज हैं कंपैरेटिव स्टडी के लिए। यानी आप ये इन एट डिफरेंट वेज से आप किसी भी मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको स्टडी करके कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्थमेटिक अप्रोच। इसमें क्या किया जाता है कि एक आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं अपने मुल्क में, यानी कोई भी इशू है उसको आप स्टडी करेंगे और फिर आप उसको कंपेयर करेंगे किसी दूसरे मुल्क के साथ। जैसे हमने एजुकेशनल बोरोइंग की बात की है पहले, वो भी इसी तरह ही है। दूसरे नंबर पे है केस स्टडी अप्रोच। केस स्टडी में एक मुल्क से डाटा हम लेंगे, यानी किसी भी इशू के ऊपर, किसी भी एक फील्ड या एरिया का हम क्या करेंगे, डाटा ले लेंगे। अब उसका डाटा लेने के बाद दूसरे मुल्क में एक इंडिविजुअल जाएगा, वहाँ से जो उसने पहले डाटा लिया हुआ है, तो जो जिस नए मुल्क में वो गया है तो उसका डाटा भी लेगा और फिर उनको आपस में कंपेयर करेगा। टेकिंग डाटा फ्रॉम वन कंट्री, गोइंग टू अदर कंट्री, टेकिंग डाटा, अब वहाँ से डाटा इसने लिया और कंपेयरिंग डाटा, फिर उस डाटा को कंपेयर करना, ये केस स्टडी आता है। उसके बाद है एरिया स्टडी अप्रोच। एरिया स्टडी में आप वो स्पेसिफिक एरिया को स्टडी करेगा, सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एरिया, स्टडीइंग इट्स सिस्टम। एक किस एरिया को स्पेसिफाई करेगा कि मैं इस एरिया को स्टडी करना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद उससे वो डाटा कलेक्ट करेगा और चार डिफरेंट वेज में, जैसे कि पिछली स्लाइड में जॉर्ज पेरेडी के हमने डिस्क्राइब किया है, तो इन चार स्टेप्स में वो क्या करेगा, एरिया स्टडी में उनको स्टडी करेगा। देन आता है हिस्टोरिकल। इसमें वो कंप्लीट हिस्ट्री देखेगा उस मुल्क की, उस गांव की, उस शहर की जहाँ जिससे वो डाटा लेना चाह रहे हैं, जिसको स्टडी करना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद जिसके साथ उसने कंपेयर करना है अगले मुल्क के साथ या अपने मुल्क के साथ, फिर उनको दोनों को आपस में वो कंपेयर करेगा। कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ विलेज, टाउन, सिटी और कंट्री फ्रॉम डेट ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट। तो उसने उसका जो स्टार्ट से, जैसे कल हमने बात की है कि जब पाकिस्तान बना तो फ़र्ज़ करें, अब अगर इसकी हिस्टोरिकल की बात आ जाती है, स्पेशल एजुकेशन की बात हम कर लेते हैं कि पाकिस्तान बनने, जब पाकिस्तान बना तो तीन सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के इदारे मौजूद थे। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में टोटल 40 कॉलेजेस थे। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में टोटल दो यूनिवर्सिटीज़ थी। अब ये फ़र्ज़ करें अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो 40 कॉलेजेस, टू यूनिवर्सिटीज़। इसी तरह अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेशन की, तो पाकिस्तान जब बना 1947 में तो सिर्फ तीन स्पेशल एजुकेशन के इदारे मौजूद थे, और आज पाकिस्तान की एटलीस्ट हर तहसील में और हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक जो है स्पेशल एजुकेशन का इदारा मौजूद है। तो ये एक हिस्टोरिकल अप्रोच होगी। देन आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव जो मौजूदा सूरत हाल है वो मुकम्मल, उसकी जांच पड़ताल है, स्टडी करना और फिर कंपेयर करना। स्टडीइंग एवरीथिंग, नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसटीआर, इनरोलमेंट रेट, ड्रॉप आउट रेट, यानी मौजूदा जो सूरत हाल है उसको मुकम्मल तौर पे स्टडी करना डिस्क्रिप्टिव है। देन है फिलोसफिकल, फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन उनके क्या हैं। देन है इंटरनेशनल अप्रोच, ये जैसे हमने बात की है लास्ट स्लाइड में भी, कि ये अक्रॉस द बॉर्डर जो सब्जेक्ट्स चलते हैं तो उनको स्टडी करना। देन आता है गेस्ट्रोनॉमिक अप्रोच, स्टडीइंग द डाइट हैबिट्स, बच्चों की जो डाइट हैबिट्स हैं वो क्या है। मसलन अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल की जो गवर्नमेंट है, बच्चा माँ की पेट में होता है तो वो डाइट प्लान देते हैं, उसी डाइट प्लान के मुताबिक वो बच्चा चलता है।
वो बच्चा फिर जिस फील्ड में वो ले जाना चाहते हैं उसको वो ले जा सकते हैं। ठीक है, जब बच्चे की बर्थ होती है तो बर्थ से लेकर उसकी स्कूलिंग से, स्कूलिंग स्टार्ट होने तक, स्कूलिंग से लेकर ऑनवर्ड उसकी, जब वो उसको मैट्रिक की डिग्री नहीं मिलती, जब तक वो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स नहीं कर लेता इसराइल का बच्चा, अब तो वो स्टार्ट से उसकी जो है वो डाइट का ख्याल रखते हैं। तो इस चीज़ को स्टडी करना, इसको गैस्ट्रोनॉमिक अप्रोच कहा जाता है कि एक मुल्क की जो स्टडी हैबिट्स हैं बच्चों की वो क्या है। फील्ड स्टडी अप्रोच में ये कुछ, और ये एवलोला अप्रोच थी, देन है फील्ड स्टडी। एवलोला में आठ जो है वो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, और फील्ड स्टडी अप्रोच में कॉमर्स को, कल्चर को, एजुकेशन को, ये हम जो है वो कंपैरेटिवली या कलेक्टिवली हम इसको स्टडी करते हैं। प्रिपरेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड इवेलुएशन, ये इसके तीन जो है वो स्टेप्स होते हैं फील्ड स्टडी अप्रोच के। प्रिपरेशन में या प्रिपरेटरी में प्रिपेयर करते हैं हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेटरी में हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं, और इवेल्यूटरी में हम फाइनल रिजल्ट्स या एवेल्यूएशन या अपनी असेसमेंट देते हैं कि किसका सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव है, अडोप्टेबल है। उसके बाद दो है लोसोफोन एंड एंग्लोफोन। पीपल्स आर कंट्रीज दैट हैव कल्चरल बैकग्राउंड एसोसिएटेड विद पुर्तगीज रिगार्डलेस ऑफ एथनिक आर जियोग्राफिकल डिफरेंस। वो लोग जिनका, या वो मालिक जिनका जो बैकग्राउंड है वो एसोसिएटेड है पुर्तगाल से, पुर्तगीज से, उनको लोसोफोन कहा जाता है, और वो लोग जो कि ब्रिटिश कलोनियलिज्म से लिंक्ड हैं तो उनको एंग्लोफोन कहा जाता है। यानी वो ममालिक या वो लोग जो जिनका जो है वो लिंक ब्रिटिश कलोनियलिज्म से है वो एंग्लोफोन, और जिनका पुर्तगाल या पुर्तगीज से है उनको लोसोफोन कहा जाता है। अब कुछ ममालिक का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। मसलन जापान और चाइना कि सबसे पहले हमें हिस्ट्री मिलती है कि ये जब रिक्रूटमेंट करते थे तो प्रॉपर असेसमेंट के बाद उनकी रिक्रूटमेंट करते हैं ये। यानी जैसे आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड्स हैं कि जॉब के लिए टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, फाइनल इंटरव्यू होता है, तो जापान और चाइना ने सबसे पहले ये काम स्टार्ट किया था असेसमेंट का। देन इनका जो एलिमेंट्री स्कूल होता है, जैपनीज़ एलिमेंट्री स्कूल, वो एज 6 से 12 साल तक की एज का होता है, और 97% जो बच्चे हैं इनके वो स्कूलिंग ज्वाइन करते हैं, यानी एलिमेंट्री स्कूल में उनकी इनरोलमेंट होती है। इनका जो सेकेंडरी स्कूल है, जो लेवल है सेकेंडरी एजुकेशन 9th 10th की, वो 3 साल पे मुश्तमिल है, जैसे हमारी 2 साल पे होती है। तो ये जो इनकी सेकेंडरी है वो कंपलसरी है, यानी जैसे हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो प्राइमरी तालीम वो लाजमी करार दी हुई है, तो इसी तरह जापान के अंदर एलिमेंट्री भी और सेकेंडरी भी ये कंपलसरी हैं। यानी यहाँ पे जो 6 से 12 साल तक की एज है तो इसमें उनकी जो प्राइमरी प्लस एलिमेंट्री जो एजुकेशन है 6ठी से, यानी क्लास 1 से लेकर 8 तक, ये उनकी बात हो रही है। तो कलेक्टिवली प्राइमरी और मिडिल हिस्से को एलिमेंट्री कहा जाता है। प्री प्राइमरी एंड अपर सेकेंडरी, यानी प्री प्राइमरी जैसे ईसी एजुकेशन है या मैट्रिक के बाद वाली है, इंटर की जो तालीम है वहाँ पे कंपलसरी नहीं है, और फ्री भी नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है और फ्री भी नहीं है। और इनकी जो अडल्ट एजुकेशन है जापान में उसको सोशल एजुकेशन कहा जाता है, और उसके लिए रेडियो और टीवी प्रोग्राम भी यूज़ किए जाते हैं, जनरल एजुकेशन के लिए भी और अडल्ट के लिए भी। पब्लिक स्कूल जितने भी हैं वो सेंट्रलाइज हैं। सेंट्रलाइज से मुराद ये है कि प्रॉपर एक अथॉरिटी के पास हैं, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रलाइज हैं स्कूल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बॉडी है, उसके नीचे तहसील लेवल के ऑफिसर्स हैं, फिर सेंट्रल या मरकज़ लेवल के होते हैं, तो ये सेंट्रलाइज अप्रोच होती है। और डिसेंट्रलाइज अप्रोच जिसमें कोई प्रॉपर एक हायरार्की मौजूद ना हो उसको डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। उसके बाद है एंगोला सिस्टम। एंगोला का जो सेकेंडरी स्टेज है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड उन्होंने की हुई है, जनरल और वोकेशनल एजुकेशन। इसी तरह पुर्तगीज़ की, पुर्तगाल की जो एजुकेशन, पुर्तगाल का एजुकेशन सिस्टम भी, उनकी भी जो सेकेंडरी स्टेज है या तो वो जनरल में एडमिशन ले सकते हैं या फिर वोकेशनल में। जनरल में यही जो हम साइंस आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और वोकेशनल में वो किसी एक प्रोफेशन का हुनर सीखते हैं। अफ्रीकन एजुकेशन सिस्टम ये कलोनियल लेगेसी पे मुश्तमिल होता है, यानी कलोनियलिज्म पे है, जिस तरह का उनका चाहे वो उसको अडॉप्ट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तंजानिया का भी जो है एक अफ्रीकन मुल्क है, इसका जो एजुकेशन सिस्टम है जी, लेगेसी का क्या मतलब होगा? लेगेसी कॉलोनियल ये जो कानूनियत होती है आई थिंक उसको कहा जाता है लेगेसी। वहाँ पे वो जो है ना उसका जो कॉलोनियलिज्म सिस्टम है ना उनका,
ना उस पे, फिर वो जिस तरह की कानून बनाते हैं तो उसी तरह का एजुकेशन सिस्टम, फिर जो गवर्नमेंट आई उसने जो बनाया सिस्टम तो उसी के मुताबिक सिस्टम सारा चेंज हो गया। तंजानिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, यानी पॉलिटिकल पार्टी जो भी इकतदार में आती है तो वो अपना ही एक अपनी ही एक हमत अमली बना लेती है, यानी हर नए इलेक्शन के बाद उनका नया निज़ाम होता है। क्योंकि ये भी अफ्रीकन है, तो जैसे ऊपर कॉलोनियल लेगेसी की बात हुई है, लेगेसी आई थिंक पढ़ा जाता है इसको, तो ये भी उसी तरह ही है। उसके बाद है ब्राज़ील एजुकेशन सिस्टम। ब्राज़ील का प्री प्राइमरी एजुकेशन ये जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑफर करते हैं, यानी जैसे ईसी की एजुकेशन है, और जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री और कंपलसरी है जैसे पाकिस्तान में है। इंग्लैंड का एजुकेशन सिस्टम इनिशियल स्टेजेस पे ये वॉलेंट्री एजेंसीज यानी एनजीओज प्रोवाइड करती हैं बेसिक एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन, और एज जो है वो 5 से 15 साल इनकी, सॉरी 5 से 14 साल, याद रखिएगा जापान की 6 से 12 साल है और इंग्लैंड की 5 से 14 साल है जो एलिमेंट्री स्टेज है। जो पाकिस्तान की कौन सी है ये हमने पढ़ा हुआ है, कौन बताएगा? जी पाकिस्तान की प्राइमरी एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्टेज की एज कौन सी है? 5 से 9 साल तक ये प्राइमरी एजुकेशन है, 3 से 5 साल प्री प्राइमरी, 5 से 9 साल प्राइमरी, और 10 से 12 ये एलिमेंट्री, और 13 से 14, 13-14 साल ये जो है हमारी सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसकी एज होती है। तो 5 से 14 है इंग्लैंड की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये 1185 में इस्टेब्लिश हुई थी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, सॉरी ऑफ डिक्शनरी मेरे मुंह से निकल रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई 1185 में, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ये जो है सॉरी टू ब्रेक मोनोपोली ऑफ बोथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। हाँ जी, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सॉरी यूनिवर्सिटी जो है ये 1185 में इस्टेब्लिश हुई, और लंदन यूनिवर्सिटी ये 1828 में इस्टेब्लिश की गई थी। ये बड़ी इनकी लंबी हिस्ट्री है, ये आप गूगल कर लीजिएगा, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, इसी तरह ऑक्सफोर्ड की और लंदन यूनिवर्सिटी की। ये लंदन यूनिवर्सिटी 1828 में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है 1185 में, और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी हमारी? जी किसी को है याद? 1800 कुछ में हुई थी सर, 1800, ये 28 है और वो 1882 है। जी हाँ जी, ये लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई, 1882 में हुई थी। ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम। अमेरिकन जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैग्मेटिज्म में एक अप्रोच है, यानी वो प्रैग्मेटिस्ट हैं, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जिसे कहा जाता है। अब अमेरिका के अंदर 50 रियासतें हैं, हर स्टेट का, हर रियासत का अपना एजुकेशन सिस्टम है, और जो मजहबी मजामीन हैं, रिलीजियस सब्जेक्ट्स, वो उनके करिकुलम में शामिल नहीं होते। जूनियर हाई स्कूल और हाई ये जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे, सीनियर और जूनियर हाई स्कूल। जो जूनियर हाई स्कूल हैं ये हाई स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश किए गए थे कि जो लो स्टैंडर्डाइज सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ पे, यूँ होता था कि जो सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे जो एडमिशन रेट है वो ज़्यादा हो जाने की वजह से फिर ये कुछ लो स्टैंडर्डाइज स्कूल इस्टेब्लिश किए गए थे, इनको जूनियर हाई स्कूल कहा जाता है। इसी तरह नॉर्मल स्कूल फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर ट्रेनिंग ये भी इस्टेब्लिश किए गए कि जो टीचर जो है इनसे ट्रेनिंग लेते, जिनको ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता इदारा, नॉर्मल स्कूल टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है यूएसए में, तो वो जो है फिट होते हैं, फिट फॉर टीचिंग, और जिनको ये नहीं करता सर्टिफिकेशन वो जो है वो अनफिट होते हैं टीचिंग के लिए, और उनको टीचिंग की जॉब जो है वो नहीं मिल सकती। डिसेंट्रलाइज अप्रोच इन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में इनकी डिसेंट्रलाइज अप्रोच है, यानी कि प्रॉपर हायरार्की नहीं है। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे की जो वार थी, इसके बाद जो कंपैरेटिव एजुकेशन है इसकी स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। अमेरिकन जो फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशन है हॉरेस मैन, इनको भी पायनियर कहा जाता है अमेरिका में कंपैरेटिव एजुकेशन की स्टडी का। मैथ्यू ऑर्नर ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम जो जर्मनी और फ्रांस का है इसको इंग्लैंड में इंटीग्रेट करना चाहिए या इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो ये हमारा था कंपैरेटिव एजुकेशन के ऊपर। थोड़ा
थोड़ा सा तबसरा। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन यही हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं बेसिकली, ये भी एक डिस्टेंस एजुकेशन की एक टाइप है। हमने एजुकेशन की जो तीन बेसिक वो पढ़ी थी, फॉर्म्स पढ़ी थी, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल और एक नॉन फॉर्मल। तो जो फॉर्मल हमने बात की थी, जिसमें एक बकायदा तालीमी इदारे में एडमिशन के साथ जो है टीचिंग लर्निंग होती है, और फिर हमने नॉन फॉर्मल की बात की थी कि नॉन फॉर्मल एक ऐसा निज़ाम तालीम है जो कॉरेस्पॉन्डेंट से होता है, टेली कम्युनिकेशन से होता है, यानी जिसको मवासलात कहते हैं, ज़राए कम्युनिकेशन के ज़राए से जो तालीम होती है उसको, चाहे वो ख़त व किताबत के ज़रिए हो, इंटरनेट के ज़रिए हो, या फिर वो टीवी ऑडियो के ज़रिए हो, या टीवी के ज़रिए हो, वगैरह वगैरह। तो इसको हमने कहा था कि ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। और देन आती है इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल जो एजुकेशन होती है, हमने कहा था कि इनफॉर्मल एजुकेशन वो है जिसमें हमें कहीं एडमिशन नहीं लेना पड़ता, अम्मी ने कोई थप्पड़ मारा कि ये गलत काम आपने किया, तो ये भी इनफॉर्मल है। मस्जिद में जाके कुछ सीखा, मोहल्ले में कुछ सीखा, रेडियो प्रोग्राम से सीखा, किसी दोस्त से सीखा, देख के, पढ़ के, सुन के, कहीं से कुछ जो भी देखा, सुना, समझा, सीखा, सारी ज़िंदगी बर्थ से डेथ तक ये इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। तो डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो कौन सी फॉर्म होगी इन तीनों में से, फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल? जी नॉन फॉर्म। हाँ जी, नॉन फॉर्मल होगी, क्योंकि इसमें जो इनफॉर्मल तो है नहीं कि हमें एडमिशन नहीं लेना पड़ता, इसमें हमें एडमिशन लेना पड़ता है, लेकिन वो जो हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं एंट्री एंड एग्जिट के, जो कि फॉर्मल में होते हैं, इसमें वो नहीं होते। और नॉन फॉर्मल, जैसे आप अपनी अभी इस क्लास के एग्जांपल भी ले सकते हैं कि ये भी एक नॉन फॉर्मल है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन टेकिंग प्लेस व्हेन स्टूडेंट एंड टीचर आर सेपरेटेड बाई अ फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस होता है उनमें, लेकिन जो कोशिश होती है इस डिस्टेंस को कम से कम करने की, थ्रू मीडिया। इट इज़ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू मीडिएटेड इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। मीडिएटेड से मुराद मीडिया के थ्रू, यानी मीडिया से क्या मुराद है यहाँ पे, खतो किताबत और टेली कम्युनिकेशन, ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स और उसके साथ साथ ये टेली कम्युनिकेशन। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु मे नॉट हैव द चांस एंड टाइम टू अटेंड फॉर्मल स्कूलिंग। ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो कि फॉर्मली किसी इदारे को ज्वाइन नहीं कर सकते। जैसे अगर हम अपनी इसी क्लास की अगर एग्जाम्पल लें, तो अगर आपको रोज़ाना 10 या 15 किलोमीटर ट्रैवल करके कहीं जाना पड़ता, तो आपके लिए तो मुश्किल हो जाता। तो वैसे वो जो हम अकेडमीज जाते हैं, वो भी नॉन फॉर्मल की एग्जाम्पल्स होती हैं। तो इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु मे नॉट हैव द चांस एंड टाइम टू अटेंड फॉर्मल स्कूलिंग। तो ये सेकंड चांस होता है डिस्टेंस एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन उनके लिए, जो नॉर्मल या फॉर्मल एजुकेशन में एडमिशन नहीं ले सकते। इट इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड, ये इंस्टीट्यूशन बेस्ड नहीं होती, बल्कि डिस्टेंस बेस्ड होती है, और लर्नर और इंस्ट्रक्टर इसमें दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस के ऊपर है। जैसे हमारे यहाँ जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो इसके ऊपर काम कर रही है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमारी वो भी इसी डिस्टेंस बेस पे काम कर रही है। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मिनिमाइज दिस डिस्टेंस। तो ICT ने इस डिस्टेंस को बहरहाल काफ़ी हद तक कम कर दिया है। हिस्ट्री, हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सर, इसकी हिस्ट्री पुरानी नहीं है, 160 ईयर्स। जी, सर जैसे मतलब ये एनुअल एग्जाम होता है, बंदा प्राइवेट देता है, तो वो किस में आएगा, वो डिस्टेंस में आएगा या वो उसमें आएगा, कौन फॉर्मल कौन में एनुअल आएगा? एग्जाम लेता है? जैसे मतलब किसी ने मास्टर करना है, वो जस्ट एडमिशन भेजेगा एनुअल सिस्टम के जरिए, जैसे वो डिस्टेंस में है, मैट्रिक देखें है। डिस्टेंस में आता है। देखें ये जब हम एडमिशन लेते हैं ना, तो हम पहले ये बात पूछते हैं कि ये रेगुलर है या डिस्टेंस बेस्ड है, पूछते हैं ना ये सवाल हम। रेगुलर का मतलब ये होता है, या फॉर्मल का, कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे थ्रू आउट सेशन, तो वो आपकी फॉर्मल होगी, जिसमें हम जैसे आप या मैं जब हम एम फिल में एडमिशन ले रहे होते हैं, तो पूछते हैं कि क्लासेस वीकेंड है। वीकेंड का मतलब क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं, और रेगुलर का मतलब क्या होता है, पूरा वीक जो क्लासेस चलती हैं। लेकिन सर जो सर मतलब क्लास वो लेते हैं, ये ना वीकेंड पे भी लेते हैं, तो जी, वो डिस्टेंस नहीं होता, वो फॉर्मल होता है। बिल्कुल, वो जो जिसमें आप क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, तो वो फॉर्मल एजुकेशन है, और अगर आप नहीं कर रहे तो वो फिर नॉन फॉर्मल है। ठीक है।
यानी अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, अब भी पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी कुछ सब्जेक्ट ऑफर कर रही है, तो वो नॉन फॉर्मल है, तो वो सारी कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू, आजकल तो उनका LMS का कोर्स है और वो वीडियो शेयर कर देते हैं या ऑनलाइन लेक्चर्स उनके होते हैं, तो बेसिकली ये नॉन फॉर्मल में, अगर आप अपनी किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स फिजिकली पढ़ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फॉर्मल में हैं, अगर आप नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब आप नॉन फॉर्मल में हैं। जी, ठीक हो गया सर। हिस्ट्री इसकी अगर हम बात करें तो 2000 में, 2000 में ये इसकी हिस्ट्री जो है वो स्टडी की गई थी, तो 1840 में यानी 1840 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने पहली मर्तबा एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र किए थे 1840 में, ये 2000 की बात है। अब अगर हम बात करें तो 182 साल पुरानी बात हो जाएगी, यानी ये मैंने साथ मेंशन किया, आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स में यही नज़र आएगा कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है इसकी हिस्ट्री 160 ईयर है, लेकिन ये रिसर्च या स्टडी कब की गई थी, 2000 में, तो मुमकिन है कि आप जो है अपडेटेड बुक्स में आपको ये भी, ये MCQs है काफ़ी सारी बुक्स में, ये भी MCQ में पूछा जा सकता है कि जो हिस्ट्री है वो कितने साल पुरानी है, तो अगर तो ये 160 है तो इट्स ओके, आपने यही लगाना है क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव बुक से आपका क्वेश्चन या वेबसाइट से कॉपी किया गया होगा। इन केस के कोई समझदार बंदा पेपर सेट करता है, बनाता है, तो वो देखेगा कि ये चूंकि 2000 में स्टडी की गई थी तो अब जो है इसकी हिस्ट्री कितने साल पुरानी होगी, तो ये 182 ईयर्स होगी, ये दोनों कंडीशन आपने याद रख लेनी। तो 1880 में पहली मरतबा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफर किया था। दुनिया की पहली नॉन फॉर्मल या डिस्टेंस बेस्ड यूनिवर्सिटी वो यूके ओपन यूनिवर्सिटी यूके में इस्टेब्लिश हुई थी 1969 में, 1969 में, और दुनिया की दूसरी, एशिया की पहली, पाकिस्तान की पहली जो ओपन यूनिवर्सिटी है या जिसको हम कहते हैं नॉन फॉर्मल या डिस्टेंस बेस्ड यूनिवर्सिटी है, जिसको पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी जिसका पुराना नाम था, 1877 में जिसका नाम तब्दील करके अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रख दिया गया था, तो ये पाकिस्तान की पहली, एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी है। मई 1974 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, 1972 की पॉलिसी है उसमें ये रिकमेंड हो गई थी, 1974 में ये कंप्लीट हो गई थी, इस्टेब्लिशमेंट इसकी स्टार्ट हुई थी 1977 में, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह ने फिर इसको, इसका नाम जो है चेंज करके पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी से अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा था। बहरहाल, तो ये इसकी शॉर्ट सी हिस्ट्री है। देन टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, चार टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में। सबसे पहले लर्नर कॉन्टेंट, यानी लर्नर का कॉन्टेंट के साथ, वहाँ से ओपन यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, आपको किताबें मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपका इंटरेक्शन किसके साथ है, लर्नर का कंटेंट के साथ है। दूसरा है लर्नर का लर्नर के साथ, तो लर्नर की ग्रुपिंग कर दी जाती है कि आप आपस में मिल बैठ के जो है वो चीज़ें डिस्कस करें, अंडरस्टैंड करें, लर्नर लर्नर है। और तीसरा लर्नर इंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का आपस में लिंक जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है। आजकल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंट से, यानी ये खतों किताबत से ज़्यादा वो रिलाय कर रही LMS के ऊपर, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, जिसमें ऑनलाइन असाइनमेंट दी जाती हैं, ऑनलाइन लेक्चर दिए जाते हैं और ऑनलाइन ही उनकी असेसमेंट की जाती है असाइनमेंट्स की। तो लर्नर इंस्ट्रक्टर है। देन है लर्नर टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी, लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, ऐसे टेस्ट अपलोड हो जाएंगे, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी कर रही है, तो आपको कंटेंट भी आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेक्चर भी मिल जाएंगे और असेसमेंट भी आपकी उस टेक्नोलॉजी के थ्रू, सिस्टम के थ्रू ली जाएगी। तो ये लर्नर टेक्नोलॉजी इंटरेक्शन है। तो डिस्टेंस एजुकेशन में चार तरह के इंटरेक्शन होते हैं, लर्नर का लर्नर के साथ, लर्नर का अपने टीचर के साथ, लर्नर का अपने कॉन्टेंट के साथ और लर्नर का टेक्नोलॉजी के साथ। देन है जी सोर्सेज ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, किस तरह से ये प्रोवाइड की जाती है, कॉरेस्पॉन्डेंट से यानी कम्युनिकेशन बाई लेटर थ्रू पोस्टल सर्विस, ये ट्रेडिशनल है खतो किताबत के ज़रिए। दूसरा टेली कम्युनिकेशन, TV, टेलीफोन, रेडियो और इंटरनेट के ज़रिए जो मवासलात की जाती हैं इसको टेली कम्युनिकेशन कहा जाता है। इंटरेक्टिव टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज यूज़ की जाती हैं, इंटरेक्टिव से मुराद ये है जैसे आजकल ओपन यूनिवर्सिटी का LMS है, यानी भेजने वाला और रिसीव करने वाला दोनों इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, तो इसलिए इसको इंटरेक्टिव टेली कम्युनिकेशन कहा जाता है, ये लेटेस्ट इसका ट्रेंड है।
ए सिंक्रोनस लर्निंग नेटवर्क यानी यूज़ ऑफ इंटरनेट या कंप्यूटर, टीचिंग और लर्निंग के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल, इसको ए सिंक्रोनस लर्निंग नेटवर्क कहा जाता है। उसके बाद है आर्टिफैक्ट, ये हमने टीचिंग मेथडोलॉजी सिंक्रोनियस हो जी सर, अगर सिंक्रोनियस की सिर्फ बात करेंगे तो फिर क्या होगा सिंक्रोनियस ये लर्निंग जो इनका नेटवर्क? जो बेसिक है ना कि जो आई थिंक सो के जो कंप्यूटर वाले ज़्यादा बेहतर जानते होंगे अगर आप में से कोई है तो, आई थिंक सो के जो एट द स्पॉट चीज़ें कन्वे हो जाती हैं फौरी तौर पर, यानी आप कोई सवाल करते हैं आपको फौरी जवाब मिलता है, आप कोई बात पूछते हैं तो आपको फौरी रिस्पॉन्स मिल जाता है। आई थिंक ये सिंक्रोनस होता है यानी इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको जो मिलता है। और ए सिंक्रोनस में आप चीज़ भेज देते हैं, मसलन आप LMS का कोर्स अपलोड हो गया तो आपने जब आपको वो टाइम मिला आपने उसको देखा, अपनी मर्ज़ी से असाइनमेंट फिल की, फिल करने के बाद आपने फिर अपलोड कर दी उस टाइम फ्रेम में, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं होता तो इसको ए सिंक्रोनस कहा जाता है मेरे ख्याल से। आई थिंक है भी ऐसे, कंप्यूटर का कोई स्टूडेंट मेल या फीमेल है तो इसला कर सकता है। यानी सिंक्रोनस में इमीडिएट फौरी रिस्पॉन्स, जैसे आप जो है कॉल कर लेते हैं, कोई ऑडियो कॉन्फ्रेंस है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, अब ऑडियो कॉन्फ्रेंस है, इंटरव्यू है, क्वेश्चन है, आपसे टीचर आपका वाइवा ले रहा है, तो ये सिंक्रोनस है, फौरी तौर पे आपको रिस्पॉन्स या फीडबैक देना है। अगर आपकी कोई या जैसे टेस्ट है आपका, कोई एनुअल एग्जामिनेशन है, एग्ज़ाम हो रहा है आपका, तो ये भी सिंक्रोनस है, फौरी तौर पे आप उसको रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ए सिंक्रोनस में आपको चीज़ें भेज दी जाएंगी, आप अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड करेंगे, अपनी मर्ज़ी से फिर अपलोड करेंगे, कोई आपको जो है लिमिटेशन नहीं होती टाइम की कि आपने फौरी फौरी देना है, आप एक घंटे, एक दिन, दो दिन, हफ्ते बाद भी उसका जवाब दे सकते हैं जी। देन आते हैं आर्टिफैक्ट, फिजिकल डिवाइस यूज्ड इन टेली टीचिंग। टेली टीचिंग में जो डिवाइस यूज़ किया जाता है आवाज़ सेंड करने के लिए, वीडियो सेंड करने के लिए, लेक्चर सेंड करने के लिए, उसको आर्टिफैक्ट कहा जाता है। एजुकेशन में आर्टिफैक्ट दो दफ़ा ये वर्ड यूज़ हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। अगर कोई बच्चा अपने हाथ से कोई ऑब्जेक्ट बनाता है क्लासरूम के अंदर, उसको आर्टिफैक्ट कहा जाता है। यानी बच्चे की जो डिज़ाइन है, कोई उसने चीज़ क्रिएट कंस्ट्रक्ट की है क्लास के अंदर, पेज से की है, कोई सफ़ों से की है, चार्ट से की है, या इसी तरह किसी भी मड से, मट्टी से की है, जो टीचिंग लर्निंग में हेल्पफुल हो सकती है या उससे रिलेटेड थी, तो उसको आर्टिफैक्ट कहा जाता है। और दूसरा फिजिकल डिवाइस जो टेली टीचिंग में यूज़ किए जाते हैं उसको भी आर्टिफैक्ट कहा जाता है। ऑडियो ब्रिज, ये अगर हम देखें ना तो टेलीफोन लाइन जहाँ से गुजर रही होती है तो एक बड़ा सा बॉक्स होता है अक्सर किसी गली के कोने में, तो उसको अगर कभी वो ऑपरेटर जब खोल के देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें हंड्रेड या थाउजेंड्स तारें होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। तो ऑडियो ब्रिज बेसिकली एक ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर मल्टीपल टेलीफोन लाइंस होती हैं जो कि दो लोगों की कम्युनिकेशन या कॉन्फ्रेंस को होल्ड करता है। टेलीफोन जैसे मैं अगर आपको कॉल कर रहा हूँ और आप उधर से बात कर रहे हैं, तो ऑडियो ब्रिज में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास जाती है, इससे आगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव होती हैं, इधर से जा रही हैं उधर से आ रही हैं, इसको ऑडियो ब्रिज कहा जाता है। कीन प्रेजेंटेशन, मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की, सुहेल साहब ने यूज़ की, सुहेल साहब ने यूज़ कर ली, इन्होंने अपने स्टूडेंट को दी, उन्होंने क्लास पढ़ानी, उन्होंने यूज़ कर ली, उन्होंने आगे भेज दी। प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन दैट इज़ ऑफन अवेलेबल एंड रिपीटेडली यूज बाई पर्सन अदर देन ऑथर, यानी मैंने बनाई थी लेकिन बाकी लोग भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे आज मुझे एक मैसेज आया कि सर मैं यूट्यूबर हूँ और मैं एजुकेशन पे वीडियोज़ अपलोड करता हूँ क्रिएट करके, तो मैं आपकी बुक का कॉन्टेंट यूज़ करूँ। मैंने कहा कर लें, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो कर लें, अगर आप मैं ना भी कहूँ तो किताब आपके पास पहुँची हुई है तो आप जो है वो मुझे ब्लॉक करके आराम से कर सकते हैं, इसमें कौन सा मसला है। तो ये केन प्रेजेंटेशन, एक बंदे ने काम किया, दूसरे ने उसको यूज़ किया, तीसरे ने, चौथे ने, अदर देन आता, इसको केन प्रेजेंटेशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है, टेली स्कूल एंड तालीम घर। ये कोविड की सिचुएशन जैसे ही आई, वबा आई, पेंडेमिक, तो स्कूल क्लोज हुए, क्लोज होने के बाद गवर्नमेंट जो है वो इन्होंने सोच विचार की कि क्या इसका हल निकाला जाए। पाकिस्तान सॉरी पंजाब के जो मौजूदा एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मैं पर्सनली किसी एक सियासी जमात से वाबस्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं उन्होंने जो स्टार्ट में काम किए थे, ये लास्ट में आके ये जो चीज़ें हैं ये वो थोड़ा सा अपने टारगेट से मुनरिफ हो गए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है ऑनलाइन जो है टीचिंग का, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था अप्रैल 2020 में। जैसे ही स्कूल क्लोज़ हुए थे तो क्लोज़ होने के बाद इन्होंने फौरी तौर पर एक टीवी प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम तालीम घर रखा गया, और पंजाब एजुकेशन सेक्टर प्रोजेक्ट PESP 3
ये इसकी फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है तालीम घर की। तो तालीम घर ये पहले इस्टेब्लिश हुआ, इसके फौरी बाद जो विफाकी हमारी हुकूमत है उन्होंने भी इसको देखते हुए फेडरल लेवल पे एक टीवी एजुकेशन टीवी प्रोग्राम जिसको टेली स्कूल का नाम दिया गया वो पूरे पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया। तो इसके लिए दो प्रोजेक्ट हैं वर्ल्ड बैंक के, वो फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, पेंडेमिक रेस्पॉन्स इफेक्टिवनेस इन पाकिस्तान प्रोवाइड फंडिंग फॉर टेली स्कूल। तो इसकी जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक का है। पाकिस्तान में 95% और पंजाब में 90% जो है वो कहा जाता है कि लोगों को एक्सेस है टेलीविज़न की। तो पाकिस्तान में 30 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनकी एक्सेस है टीवी पे, और जिसमें 12 मिलियन जो है तकरीबन पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं जो टीवी देखते हैं या जिनके घरों में टीवी है। जैसे हमारे जो फेस्को है, मेपको है, लेपको है, तो इनके जो बिजली के बिल हमारे होते हैं तो वहाँ पे मेंशन होता है कि इस घर में टीवी यूज़ किया जा रहा है या नहीं। अगर आपके घर में नहीं भी है तो आपके बिल से कटौती हो रही होती है, देख लिया करें। अगर टीवी नहीं है तो वो अपनी कटौती बंद करवा दें। नेशनल एजुकेशन टेलीविज़न NET, ये अमेरिकन एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न नेटवर्क है। तो बहरहाल तालीम घर या टेली स्कूल पाकिस्तान में पहली मरतबा हिस्ट्री में 2020 में पेंडेमिक की वजह से ये शुरू किए गए थे, ये आज भी चल रहे हैं। उसके बाद आता है फिज़िकल और एजुकेशन। सर इंसाफ एकेडमी, जी इंसाफ एकेडमी सर, जी इंसाफ एकेडमी ये 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए है आई थिंक। ये भी जो हमारे हैं प्रोविंशियल मिनिस्टर एजुकेशन मुराद राज साहब, ये भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ट्यूशन्स पढ़ते हैं तो इतने उनके अखराजात हैं, फीसें ज़्यादा हैं वगैरह वगैरह, तो जो गरीब बच्चे हैं चलो उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो उन्होंने 9th और 10th क्लास के लिए ये इंसाफ अकेडमी, आई थिंक इसकी ऐप भी है कोई, मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसकी कोई ऐप भी है इंसाफ अकेडमी के नाम से उन्होंने ये शुरू की हुई है, जिसमें आप 9th और 10th क्लास के सारे जो साइंस सब्जेक्ट हैं, सारे नहीं सॉरी, साइंस सब्जेक्ट के लेक्चर वो उसमें भी देख सकते हैं। ये भी 2020 में लॉन्च की गई थी। देन है फिज़िकल एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन ये इंस्ट्रक्शन इन द डेवलपमेंट एंड केयर ऑफ द बॉडी आर यूजफुल फॉर इंडिविजुअल्स टू इम्प्रूव देयर मोटर एंड कग्निटिव स्किल्स थ्रू फ्रीक्वेंट एंड विगरस एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ एथलेटिक्स एंड सो ऑन। हमारी जो फिज़िकल बॉडी के जो आप कह लें कि मूवमेंट है या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, इससे हमारी जो बॉडी है वो एक तो हेल्दी भी रहती है और उसके साथ साथ हम एक्टिव भी होते हैं। तो हम अपनी दो तरह की उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्किल्स को, कग्निटिव स्किल्स को भी और मोटर स्किल्स को भी। कग्निटिव यानी जैसे हम खेल रहे हैं तो कब बॉल कैसे फेंकनी है, फील्डिंग कैसे करनी है, बैट कैसे घुमाना है, फुटबॉल को किक कैसे करनी है, वॉलीबॉल को हिट कैसे करना है एट्सेट्रा। तो हम सोच भी रहे होते हैं और फिज़िकली हम अपने ऑर्गन्स को यूज़ भी कर रहे होते हैं, तो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे कग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है और मोटर डेवलपमेंट भी होती है फिज़िकल एजुकेशन से। फिज़िकली एजुकेटेड पर्सन को पता होता है कि मैंने कौन सी फिज़िकल एक्टिविटी कब करनी है। यानी क्रिकेट का प्लेयर है तो उसे पता है कि मैंने कैसे खेलना है, फुटबॉल वाले को अपना पता है, वॉलीबॉल वाले को अपना पता है, और आटा गूंदने वाले को अपना पता है। तो जो भी फिज़िकल एक्टिविटी है उसको पता होता है कि मैंने इस काम को, इस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। फिज़िकल एजुकेशन टीचर इज़ अपॉइंटेड इन मिडल एंड हाई स्कूल फॉर दिस पर्पज। पंजाब में, पाकिस्तान में मिडल और हाई लेवल पे और इस तरह ऑनवर्ड हाई हायर सेकेंडरी लेवल पे भी ये होता है, ये जो मैट्रिक वाला है। तो ये हाई स्कूल में या जो हमारे मिडिल स्कूल हैं उनमें फिज़िकल एजुकेशन टीचर PET ये अपॉइंट किया जाता है। ग्रेड 14 की ये पोस्ट होती है, फिर इनकी प्रमोशन आगे हो जाती है। दिस इज़ प्रिवेलिंग वर्ल्ड वाइड। फिज़िकल एजुकेशन पूरी दुनिया में हर मुल्क के अंदर मौजूद। जी PET सर 15 में है। हाँ सॉरी 15 में, PST जो है वो 14 में, और जो SCST या EST होते हैं ये 15 में होते हैं। फिज़िकल फिटनेस, एक इंडिविजुअल की जो फिज़िकल फिटनेस है वो दो हिस्सों में डिवाइड की जाती है, एक है जनरल फिटनेस और स्पेसिफिक फिटनेस। जनरल फिटनेस में के एक हेल्दी है और इसी तरह उसको कोई मेडिकल इशू नहीं है, वो स्मार्ट है, हेल्दी है, तो ये उसकी जनरल फिटनेस है। और स्पेसिफिक फिटनेस ये है कि वो कोई एक स्पेसिफिक टास्क कितना स्किलफुली परफॉर्म कर सकता है, ये उसकी यानी टास्क ओरिएंटेड फिटनेस होती है। जो स्पेसिफिक फिटनेस होती है टास्क ओरिएंटेड एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, मसलन कोई गेम है या कोई ऑक्यूपेशन है। ये कुछ आगे एक्टिविटीज़ हैं MCQs में पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने फिज़िकल एजुकेशन को बहुत ही कंप्रिहेंसिव फॉर्म में
यहाँ पे चीज़ें शामिल की हैं ताकि हम इन डेप्थ ना जाएं, जो मेन पॉइंट्स हैं वही हम देखें। फॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटीज़ और नॉन स्ट्रक्चरल या नॉन फॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटीज़। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल का मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी जहाँ भी आएगा वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज, ये होता है फॉर्मल। और जो ना स्ट्रक्चर, ना वेल स्ट्रक्चर्ड हो, ना वेल प्लान हो, ना वेल ऑर्गेनाइज हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? नॉन फॉर्मल कहेंगे। ठीक है, फॉर्मल फिज़िकल है, इसी तरह एजुकेशन की भी फॉर्मल और नॉन फॉर्मल की भी यही आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड फिज़िकल गेम्स, फॉर एग्जांपल प्लेइंग इन लीग्स, तो हर चीज़ को प्रॉपर एंट्री है उसकी, कैसे आप जो है आपका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको असेस किया जाएगा। नॉन स्ट्रक्चरल में एक्टिविटीज़ विद मिनिमम फॉर्मल रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, लाइक डांसिंग, आप जो है डांसिंग करें अपनी मर्ज़ी से, आप डांसिंग पैटर्न बना सकते हैं। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ जिसमें कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व किए जाते हैं। मैंने ISSB का जब टेस्ट लिया तो हमें वो एक प्रोजेक्ट दिया गया था, इंटरव्यू दिया था 5 दिन जो हम अलीर में थे, तो टेस्ट एक दिया गया कि आपने ये आपकी सिचुएशन है, इतने फौजियों को आपने इस पुल के पार लेके जाना है, तो अब ये आपके पास इतना टाइम है, ये आपके रिसोर्सेज हैं, ये ऊपर से ये आप पे स्ट्राइक हो सकता है वगैरह वगैरह, तो इस तरह की सिचुएशन। तो अब जो है वो फिज़िकली एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को मूव करना एट्सेट्रा, ये सारा कुछ था। तो ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी जिसमें किसी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हो, ठीक है, मसलन स्टूडेंट को टीचर कहता है कि ये आपके पास इतनी चेयर्स हैं, इतने डेस्क बेंच हैं, या ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आपने उस जगह पे इस तरतीब के साथ इतने टाइम में वहाँ पे लेके जाना है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। उसके बाद है रिदमिक एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जिनका कोई रिपीटेड पैटर्न होता है, जैसे कि डांस है, रोप जंपिंग है, तो जिनका रिपीटेड कोई पैटर्न है उसको रिदमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। वार्म अप, एक बड़ी कोई एक्टिविटी करने से पहले आपको एक छोटी एक्सरसाइज जो आप करते हैं अपनी, आप कह लें कि प्रिपरेशन के लिए, इसको वार्म अप कहा जाता है। लाइट एक्सरसाइज बिफोर अ फिज़िकल आर स्पेशल एक्सरसाइज। देन है एरोबिक्स, एरोबिक्स में जब हम कोई काम ज़्यादा कर लेते हैं, कोई हैवी वर्क जब हम कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, रेस्पिरेशन रेट, वो भी बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी हमारी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इसको एरोबिक्स कहा जाता है। विगरस फिज़िकल एक्टिविटीज़, इंटेंस एक्टिविटी विच इंक्रीज हार्ट एंड रेस्पिरेशन रेट, तो वो एक्टिविटीज़ जो हमारा यानी ब्रीदिंग का जो रेट है और हार्ट बीट का रेट बढ़ जाना, ये एरोबिक्स कहलाता है। और वो जो एक्टिविटीज़ जो ये बढ़ाती हैं ब्रीदिंग रेट और रेस्पिरेशन रेट या हार्ट बीट का रेट, तो इसको विगरस फिज़िकल एक्टिविटीज़ कहा जाता है। देन है मॉडरेट फिज़िकल एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर सस्टेन्ड रिदमिक एक्टिविटीज़, यानी वो जिसमें हमारा जो ब्रीदिंग रेट है या फिर आप कह लें कि जो हार्ट बीट है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, उसको मॉडरेट फिज़िकल एक्टिविटीज़ कहा जाता है। जैसे रनिंग है या वॉकिंग है, मूवमेंट पैटर्न दैट आर फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर मूवमेंट पैटर्न आर कॉल्ड रनिंग एंड वॉकिंग। सॉरी जी सर, जो रॉबिन साहब ने बताया ये प्रोसेस है या एक्टिविटी है? मतलब हमारा सांस फूल जाता है, ये हमारा एक प्रोसेस है, या हम कोई एक्टिविटी ऐसी करते हैं जिससे हमारा सांस फूल जाता है, वो तो हमारी विगरस फिजिकल एक्टिविटी होगी ना सर? तो एरोबिक्स हमारा प्रोसेस है या एक्टिविटी है? एरोबिक्स बेसिकली ये उनका बढ़ जाना, रिक्वायर्स हार्ट बीट एंड लंग्स टू वर्क मोर टू मीट इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द बॉडी। यानी हमारा जो ये कंडीशन है कि जब हमारा बर्थ सॉरी ब्रीदिंग रेट और हार्ट बीट का रेट जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है। तो ये जो प्रोसेस है जब ये हमारा बढ़ चुका होता है तो इसको एरोबिक्स कहा जाता है। वो जो एक्टिविटीज़ उनको बढ़ाती हैं उनको विगरस फिजिकल एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ठीक है सर, वो आपने वहाँ लिखा ना फिजिकल एक्टिविटीज़ है, थोड़ा कन्फ्यूजन था सर जी। उसके बाद बेसिक मूवमेंट पैटर्न, वो मूवमेंट पैटर्न जिनकी बेस पे बाकी मूवमेंट पैटर्न हम बनाते हैं, मसलन वॉकिंग है, रनिंग है, तो इनकी बेस पे बाकी हमारे मूवमेंट पैटर्न बनते हैं, तो इनको बेसिक मूवमेंट पैटर्न कहा जाता है। नॉन लोकोमोटर मूवमेंट, वो नॉन लोकोमोटर से मुराद ये है कि एक जगह से दूसरी जगह इंडिविजुअल नहीं जाता, उसी जगह पे जो है मसलन वो बेंड हो रहा है, राइट लेफ़्ट हो रहा है, सिट स्टैंड कर रहा है, इनको नॉन लोकोमोटर
जो है वो मूवमेंट कहा जाते हैं, अजान हो जाए थोड़ा सा वेट कीजिए। जी, उसके बाद है लो ऑर्गेनाइज्ड गेम, सॉरी एजुकेशनल जिमनास्टिक्स, लर्निंग बॉडी मैनेजमेंट स्किल्स। वो जैसे हम उसमें जिम में जाते हैं तो हम जो है बॉडी को मैनेज करने के लिए हम ओवर साइज हो रहे हैं, ओवर वेट हो रहे हैं एट्सेट्रा, तो अपनी बॉडी को मैनेज करने के लिए जो हम जिमनास्टिक्स करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, इसको एजुकेशनल जिमनास्टिक्स कहते हैं। कि हम सीखते हैं कि कैसे हमने अपना मोटापा कम करना है, हमारा जो चर्बी बढ़ती जा रही है, फैट बढ़ता जा रहा है, तो उसको कैसे हमने कम करना है। तो इसके लिए हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस सीखते हैं, ये योगा जिसे कहते हैं हम अपनी ज़बान में। तो लर्निंग बॉडी मैनेजमेंट स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू अप्लाइंग द मूवमेंट फ्रेमवर्क लाइक रोलिंग, बैलेंसिंग, वेट ट्रांसफ़र एट्सेट्रा। देन है लो ऑर्गेनाइज गेम्स, वो गेम्स जो हमें सिर्फ एक गेम स्किल सिखाती हैं, यानी वो छोटी छोटी गेम्स जो हमें कोई एक गेम स्किल सिखाती हैं उनको लो ऑर्गेनाइज गेम कहा जाता है। मसलन टीम वर्क है, मसलन कोऑपरेशन है, मसलन इंटरडिपेंडेंट होना है, कोई एक जो है स्किल हमें सिखाती है उनको लो ऑर्गेनाइज गेम कहा जाता है। स्मॉल साइजेड गेम्स, वो गेम्स जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट की जो पार्टिसिपेशन है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उन गेम्स को स्मॉल साइजेड गेम्स कहा जाता है। गेम्स विच अलाउ मैक्सिमल विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्स। इसमें दो से चार मेंबर्स जो है पर टीम होते हैं। देन है जी इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज कहा जाता है सिस्टम ऑफ सिम्बल्स, सिम्बल्स जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, उर्दू है या इंग्लिश है, तो इन सिम्बल्स को हम यूज़ करते हैं। हर एक सिम्बल के अपना कॉन्टेक्स्ट है, उसके अपने मीनिंग्स हैं, और ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स हैविंग मीनिंग विच आर यूज फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज के लिए एक और डेफिनेशन भी है कि लैंग्वेज इज़ अ वहीकल ऑफ फॉर एक्सप्रेशन, यानी आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को या एक्सप्रेशन के लिए जो एक सोर्स यूज़ किया जाता है अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, इसको लैंग्वेज कहा जाता है। यूज़ ऑफ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स हैविंग मीनिंग विच आर यूज फॉर कम्युनिकेशन, या लैंग्वेज इज़ अ वहीकल फॉर एक्सप्रेशन, ये इसकी दोनों डेफिनेशन आपको बुक्स में मिलेंगी। लिंग्विस्टिक्स, जो डिफरेंट लैंग्वेज हैं उनमें जो यूज़ होते हैं अल्फ़ाबेट्स, तो उनकी साउंड क्या होती है, मसलन ए है, बी, सी, डी, जी तक, जो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती है, और जब हम कोई वर्ड फॉर्मुलेट करते हैं सेंटेंस में उनको यूज़ करते हैं तो उनको कैसे प्रोनाउंसिएट, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है, उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, तो इसको लिंग्विस्टिक कहा जाता है इस स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। उसके बाद है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स डील करता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, और मेरी इस आवाज़ की नेचर क्या है, कौन से ऑर्गन्स इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कैसे ये सुनी जाती है। यानी इसमें तीन चीज़ें आती हैं, प्रोडक्शन, उसके बाद है ट्रांसमिशन, और देन परसेप्शन यानी रिसीविंग, बोलना, आगे ट्रांसमिट होना, और फिर सुनना। फोनेटिक्स में तीन चीज़ें आती हैं, बोलना, ट्रांसमिशन उसकी,
ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ये पहला स्टेप दरमियान, ये जो ट्रांसमिशन है ये किसके थ्रू हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप के थ्रू, ये चैनल है और देन आप सुन रहे हैं, तो ये ऑडिटरी है, तीसरी इसका पार्ट है। डील विद हाउ स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ट्रांसमिटेड, नेचर ऑफ साउंड एंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, हाउ साउंड्स आर हियर्ड, इट इज़ हाईएस्ट लेवल इन लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक में इसका सबसे हाईएस्ट लेवल होता है फोनेटिक्स का, साउंड की प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और हेयरिंग से। इसके तीन इसकी ब्रांचेज हैं, आर्टिकुलेटरी, इन्वेस्टिगेट द वे साउंड्स आर प्रोड्यूस बाई स्पीच ऑर्गन, टंग, लिप्स, ये आर्टिकुलेटर होते हैं, हमारी जो जुबान है, हमारे जो लिप्स हैं, इनकी आर्टिकुलेशन से हमारी डिफरेंट आवाज़ें पैदा होती हैं। देन आता है एक्विस्टिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड ट्रैवलिंग फ्राम स्पीकर टू लिसनर, मेरी जो आवाज़ जब मैं ऊंचा बोलता हूँ तो उस और तरह से, मध्यम बोलता हूँ तो और तरह से प्रोड्यूस होती है, और तरह से आपको सुनाई देती है, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड ट्रैवलिंग फ्राम स्पीकर टू लिसनर। देन आता है ऑडिटरी, रिसीविंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड, मैं जो बोल रहा हूँ ये आप तक पहुँच रही है, आपके कान इसको समात फरमा रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं और अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये ऑडिटरी है, तो ये तीनों फोनेटिक्स के अंदर आते हैं। देन है फोनोलॉजी, फोनोलॉजी इज स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न एंड देयर मीनिंग्स, कि साउंड के पैटर्न्स क्या हैं, किस तरह से अल्फाज बनाए जा रहे हैं, किस तरह से बोले जा रहे हैं, उनके पैटर्न्स क्या हैं और उनके मीनिंग्स क्या हैं, ये फोनोलॉजी के अंदर आता है। स्टडी ऑफ यानी ये डील करता है प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और हेयरिंग से फोनेटिक्स, और फोनोलॉजी डील करता है पैटर्न और उसके मीनिंग से, बोथ विद इन एंड अक्रॉस द लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के अंदर या लैंग्वेज से बाहर भी देखते हैं हम। इट इज़ स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज, एक साउंड, एक आवाज़ किसी भी एक लैंग्वेज की वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है, इसको फोनोलॉजी कहा जाता है। तो इसकी भी आगे चार ब्रांचेज हैं, मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, अब अल्फ़ाबेट्स की साउंड हैं, उन अल्फ़ाबेट्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। देन इसको जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है इसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, प्रैग्मेटिक्स प्रैक्टिस से है, स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का इस्तेमाल प्रैग्मेटिक्स कहलाता है, सेंटेक्स स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसको सेंटेक्स कहा जाता है, सीमेंटिक्स स्टडी ऑफ मीनिंग्स, तो अल्फाज का जो मतलब है इसको सेमेंटिक्स कहा जाता है। उसके बाद है फोनीम, फोनीम स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज इज स्पोकन प्रोसेस बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ साउंड, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है लैंग्वेज का उसको फोनीम कहा जाता है, यानी एक सिंगल साउंड यूँ समझ लें आपके, एक सिंगल अल्फ़ाबेट की साउंड, इसको जो है वो फोनीम कहा जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज इज स्पोकन प्रोसेस बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ साउंड, देयर आर 44 साउंड्स विच आर डिवाइडेड इनटू वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं टोटल, जी 26 हैं। अब इन 26 को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड, जैसे ए ई आई ओ यू, ये अल्फाज जो हैं ये पांच हैं टोटल, इनको जब हम बोलते हैं तो इनके बोलने के दौरान हमारी जो जुबान है वो हमारा जो पैलेट है, जो तालु है, उसके साथ नहीं टकराती, हमारे लिप्स आपस में नहीं मिलते, ठीक है, तो ये वो साउंड्स हैं जो किसी ऑब्स्ट्रक्शन के बग़ैर, यानी हमारी जुबान के, हमारे तालु के, हमारे लिप्स के आपस में मिले बग़ैर इनको हम बोल लेते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसको क्या कहा जाता है, इन पांच वर्ड्स को, इनको वॉल्स वर्ड्स कहा जाता है, और इनसे 20 डिफरेंट आवाज़ें बनती हैं, टोटल 44 हैं, तो 20 इन वॉल्स की हैं, और बाकी जो 24 हैं साउंड्स, वो जो 21 बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे जो साउंड्स बनती हैं वो 24 हैं, तो टोटल हमारी साउंड या फोनीम्स कितनी हैं इंग्लिश की, 44 होती हैं। वॉल्स जो है बग़ैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के होते हैं, ए ई आई ओ यू, जबकि बाकी जो 21 अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी 24 साउंड्स बनती हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्शन से प्रोड्यूस होती हैं, जैसा कि डी सी, तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है कोई ना कोई। देन आता है कम्युनिकेशन, अब अल्फाज का इस्तेमाल, मैं यानी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, मैं मुख्तलिफ अल्फाज को इस्तेमाल करूँगा, जो मैसेज, जो बात मैं आप तक कन्वे करना चाहता हूँ, एक लैंग्वेज को यूज़ करके मैं क्या करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ, आप उसको
रिसीव करते हैं, फिर परसीव करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन कहलाती है। कम्युनिकेशन इज़ एक्सचेंज ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बिटवीन टू आर मोर पर्सन। या अभी मैं जो है आपको चाइनीज़ बोलना शुरू कर दूँ फ़र्ज़ करें, तो आपको नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज़ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बिटवीन टू आर मोर पर्सन, वो उन अल्फाज का इस्तेमाल जिनकी आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो, आप उनकी मीनिंग भी अंडरस्टैंड कर सकें, आइडिया भी आप ले सकें। अगर आप ये भी नहीं है कि मैं चाइनीज़ बोल रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे पा रहे और ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये भी एक कम्युनिकेशन का हिस्सा है, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। एक्सचेंज ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बिटवीन टू आर मोर पर्सन इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड कम्युनिस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है कॉमन। इट इज़ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थाट, मैसेज, स्पीच, विजुअल्स, स्पीच विजुअल्स, सिग्नल्स एंड राइटिंग एंड बिहेवियर। यानी हम इन सारी चीज़ों को बजरिया लैंग्वेज आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब इसके कितने कंपोनेंट हैं। सबसे पहले सोर्स। सोर्स किसको कहते हैं, जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस द रॉ इंफॉर्मेशन। ट्रांसमीटर आप, या इनकोडर, ट्रांसफॉर्म आर इनकोड द इंफॉर्मेशन इनटू सूटेबल फॉर्म। अब जैसे जो हमारे इस वक्त हम चल बात कर रहे हैं इसके थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप के थ्रू, ये हमारा ट्रांसमीटर है, साउंड प्रोड्यूस हो गई, अब इसने ट्रांसमिट करना है, ठीक है। ये ट्रांसमीटर है, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है। मैसेज आर सिग्नल, वो इंफॉर्मेशन जो अल्फाज में इस्तेमाल करूँ, ये मेरा मैसेज या मेरे सिग्नल है। मीडियम हमारा जो है वो इंटरनेट है, इसका सोर्स जो है वो कौन सा है, ट्रांसमीटर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप है, तो मीडियम या चैनल हमारा इंटरनेट है। मोड बाय विच द मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड, उसके बाद रिसीवर और डीकोडर, आपके जो कान हैं वो आपके रिसीवर हैं, वो डीकोड करते हैं। इसी तरह अगर कोई डिवाइसेस हैं, जैसे एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन तक जो बात जाएगी, तो एक टेलीफोन जो है वो मेरी आवाज़ सोर्स है, ट्रांसमीटर मेरा टेलीफोन है, और जो मैसेज है वो मेरी आवाज़ है, मीडिया वो आपका जो नेटवर्क है वो होगा, रिसीवर आपका मोबाइल फ़ोन होगा, और डेस्टिनेशन वो आप होंगे जो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह रिसीवर पे हम थे, डीकोडर पे, ट्रांसलेटर आर डी कोड्स द मैसेज बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जिस फॉर्म में मैसेज भेजा गया उसी फॉर्म में उसको डी कोड करना, अंडरस्टैंड करना। डेस्टिनेशन द इंटेंडेड रेसिपियंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो आगे जिस तक इंफॉर्मेशन जानी है, तो ये डेस्टिनेशन है। वैसे नॉर्मली इसके तीन सोर्स पढ़े जाते हैं, लेकिन अगर आपसे एक से तीन से ज़्यादा भी पूछे जाएँ तो ये आपके जो है वो मौजूद होंगे आपके नोट्स में, आप ये भी दे सकते हैं। एक होता है साउंड प्रोड्यूसर, देन आता है चैनल, और देन आता है रेसिपिएंट, यानी बोलने वाला, चैनल और सुनने वाला, ये तीन इसके बेसिक कंपोनेंट्स भी पढ़े जाते हैं। बहरहाल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की जो है वो तीन टाइप्स होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। वर्टिकल से क्या मुराद है कि एक जो टीचर है वो अपने हेडमास्टर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उससे कोई चीज़ भेज रहा है, उसको उससे जो है कोई चीज़ डिमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सवाल कर रहा है, तो ये लोअर से अपर है। हेडमास्टर जो है अपने टीम मेंबर को, अपने टीचर को कुछ कह रहा है, तो ये लोअर से अपर से लोअर है। इसी तरह एक स्टूडेंट, एक बच्चा अपने टीचर से क्वेश्चन करता है या कोई लेटर लिखता है, तो ये लोअर से अपर साइड पे है। इसी तरह अगर टीचर जो है कोई लेटर लिखता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, तो ये अपर से लोअर है। तो वर्टिकल में अपर से लोअर या लोअर से अपर कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल और लोअर लेवल टू हायर लेवल, इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन फ्लो होती है हायर से लोअर लेवल तक। मसलन मैं इसकी दो से मिसालों से आपसे सवाल करता हूँ, आप इसको अंडरस्टैंड करें और जवाब दे दें। एक कॉलेज का नोटिस बोर्ड है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन पेस्ट है। अब ये कौन सी टाइप होगी वर्टिकल की, डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड होगी। क्यों? डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी इसमें दे रही है ना इंफॉर्मेशन लोअर लेवल पे टीचर्स को। सही है। अच्छा एक और आपसे सवाल है कि आप स्टूडेंट हैं, आपने कोई सजेशन लिखी है अपने उस इदारे के हेड के नाम, ये कौन सी होगी, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? अपवर्ड। अपवर्ड होगी। तो वर्टिकल में दो तरह की होती है, डाउनवर्ड और अपवर्ड। अच्छा अब एक और टाइप है अगली, हॉरिजॉन्टल। अब
मैं और सुहेल हम दोनों स्टूडेंट हैं। मैं सुहेल को जो है वो ईद कार्ड भेजता हूँ। आजकल हमारे यहाँ ये ट्रेंड ख़त्म हो गया। जब हम थे, शायद आपको भी याद होगा कि जब 8th 9th में थे तो हम एक फ्रेंड्स एक दूसरे को वो ईद कार्ड जो है वो भेजा करते थे। जी आजकल भी आप भेज सकते हैं सर हमें। नहीं, आजकल आपको मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा ना, वो वाला तो नहीं भेजूंगा। आजकल तो सर उसकी अपनी डिजिटल चाहत है। डिजिटल ईद कार्ड भेजेंगे ना एक दूसरे को। भेज दूंगा इंशाल्लाह, मैं ईद आ रही है ज़रूर भेजूंगा। तो हॉरिजेंटल में अब मैं सुहेल साहब को भेजता हूँ, सुहेल साहब मुझे भेज रहे हैं, तो हमारा दोनों का लेवल सेम है। हम क्लासमेट हैं, हम कुलीग्स हैं, हम फ्रेंड्स हैं, तो हम एक दूसरे को भेज रहे हैं। तो सेम लेवल पे जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसको हॉरिजेंटल कहा जाता है। देन है डायगोनल। डायगोनल में क्या होगा कि टीचर बैठे हुए हैं एक ऑफिस के अंदर और हेड उनकी मीटिंग ले रहा है। अब वो हेड बात करता है टीचर से, टीचर उसका रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये वर्टिकल भी हो रही है और यानी डाउनवर्ड अपवर्ड भी हो रही है, और टीचर आपस में भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये आपस में भी कम्युनिकेशन सेम लेवल में भी हो रही है और हायर लेवल पे भी हो रही है एट अ टाइम। तो जब एट अ टाइम वर्टिकल और हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन हो रही हो तो इसको डायगनल कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इम्तिहान में, वर्टिकल हॉरिजेंटल एंड डायगनल। जी इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा, बाकी इंशाल्लाह कुछ हिस्सा इसका रह जाएगा। तो कल नेक्स्ट चैप्टर का कुछ हिस्सा करेंगे और कुछ हिस्सा जो इसका रह जाएगा उसको डिस्कस कर लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ये इनका राइट सीक्वेंस है। लिसनिंग होती है पहले, फिर स्पीकिंग होती है, फिर रीडिंग होती है और एंड पे राइटिंग होती है। लिसनिंग क्या होती है? परसेप्शन ऑफ साउंड, अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, इन्वॉल्व्स एयर एंड माइंड, यानी आवाज़ को सुनना और उसको परसीव करना, अंडरस्टैंड करना, ये लिसनिंग कहलाता है। परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड लिसनिंग। इसकी दो टाइप्स होती हैं, ग्लोबल और डिस्क्रीट। ग्लोबल ये है कि आप जो है कोई रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप FM सुन रहे हैं, तो ये जो है एक्सटेंसिव लिसनिंग है, ठीक है, यानी आप कोई इतनी तवज्जो से नहीं सुन रहे, आप बस ऐसे ही कोई काम भी कर रहे हैं, TV चली हुई है, आप जो है वो घर के काम, किचन सामने है तो घर के काम भी कर रही हैं और साथ ही जो है TV पे कुछ सुन रही हैं, तो ये ग्लोबल लिसनिंग है। और इसी तरह जो डिस्क्रीट लिसनिंग है ये इंटेंसिव लिसनिंग है। मोहल्ले में ऐलान होता है, मैं गाँव से हूँ तो हमारे यहाँ जब भी ऐलान होता है तो सारे जो है सब कुछ छोड़ के चुप करो जी ऐलान हो रहा है, डिस्टर्बेंस ना हो, तो ये जो है इंटेंसिव लिसनिंग है। लिसनिंग कीनली, जैसे कोई अनाउंसमेंट हम सुनते हैं, तो इसको डिस्क्रीट लिसनिंग कहा जाता है। देन दूसरे नंबर पे लिसनिंग के बाद आती है स्किल स्पीकिंग। अच्छा, ये पहले भी हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि LSRW जो है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, इनका कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन होता है एक बच्चे की एक लैंग्वेज को एक्वायर करने में, यानी लिसनिंग कितने परसेंट रोल प्ले करती है स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग, कौन बताएगा? शाबाश सुहेल साहब के अलावा, यही एक बोल रहे हैं आज तो सारा दिन। जी मैं चलें आपको बता देता हूँ, 45%, 30%, 16% एंड 9%, ये इनकी परसेंटेज है, किसकी कितनी है ये बता दें। जी प्लीज़। जी कोई मेल या फीमेल? जो सबसे ज्यादा है सर, सबसे ज़्यादा तो लिसनिंग होगी, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग 45% है, स्पीकिंग 30% है, रीडिंग 16% है और राइटिंग 9% है। तो स्पीकिंग पे हम आ रहे थे। स्पीकिंग क्या होती है? डिलीवरी ऑफ लैंग्वेज थ्रू माउथ, मुंह के जरिए अल्फाज का बोलना, तो इसको स्पीकिंग हम कहते हैं। स्ट्रेस, डिग्री ऑफ फोर्स विद विच अ वर्ड इज़ अटर्ड, वो स्ट्रेस जो हम जो है उस प्रेशर के साथ, जोर के साथ हम जो अल्फाज बोलने की कोशिश करते हैं, इसको अटरेंस भी कहा जाता है या स्ट्रेस भी कहा जाता है। इंटोनेशन, यूज़ ऑफ ट्यून्स, डिफरेंट ट्यून्स, जब ये जो सिंगर होते हैं डिफरेंट ट्यून्स क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ जो है वो अल्फाज बोलने के लिए, मुख्तलिफ उनके रिदम होते हैं, इसको इंटोनेशन कहा जाता है। दैन तीसरे नंबर पर आता है रीडिंग, प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ सीरीज ऑफ रिटन सिम्बल्स एंड गेटिंग मीनिंग फ्राम देम, यानी ये हम क्या करते हैं रीडिंग में, जो डिफरेंट सिम्बल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, उनको अंडरस्टैंड करते हैं और उनके मीनिंग को समझते हैं,
उससे पिक करते हैं तो इसको रीडिंग कहा जाता है। रीडिंग की चार टाइप्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें SQR3 भी एक टेक्निक यूज़ की जाती है, ये भी बहुत वेल नाउन है। स्कैनिंग, स्कैनिंग से मुराद ये है कि अब आपको एक एक ऐसे एक टॉपिक या एक कंटेंट दिया हुआ है, आपने उस कंटेंट के अंदर से क्या करना है, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालना है। मसलन आपके पास 3 पेज की एक इंफॉर्मेशन है, आपको कहा जाता है कि आप इसमें पाकिस्तान का जो डेट ऑफ इंडिपेंडेंस है वो फाइंड करें, इसमें स्कूल का टाइम टेबल फाइंड करें, इसमें उस बंदे का नाम फाइंड करें जिसने जो है रेडियो बनाया था। तो अब आप पूरी इंफॉर्मेशन को देखेंगे जल्दी जल्दी से, वो स्पेसिफिक पीस जहाँ पे आपको मिलेगा आप वहाँ पे रुक जाएंगे या उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, स्कैनिंग कहलाता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाइंड करना। देन है स्किमिंग, आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अच्छा ये किस चीज़ के बारे में है, इसकी इसका जनरल व्यू आप बता दें कि ये किस चीज़ के बारे में है। टू ग्रैप द मेन आइडिया गेटिंग द गिस्ट ऑफ द होल टेक्स्ट इज कॉल्ड स्किमिंग। देन है इंटेंसिव लिसनिंग और एक्सटेंसिव लिसनिंग। आप नॉवल पढ़ रहे हैं तो आप उसको इतनी तवज्जो से हर हर चीज़ को नहीं देखेंगे, और अगर आप क्वेश्चन पेपर आपका पेपर है तो उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो हर लाइन को, हर वर्ड को, हर नई चीज़ को आप कीनली रीड करेंगे। तो रीडिंग कीनली, तो ये इंटेंसिव है, और रीडिंग सुपरफिशियली जैसे नॉर्मल रीडिंग है तो ये एक्सटेंसिव है। देन है SQR3, सर्वे क्वेश्चन रीड रिकॉल रिव्यू। सर्वे से क्या मुराद है कि हम जो थीम होती है, जो पैराग्राफ है, पैसेज है, हम उसको एक जनरल लुक देते हैं, जनरली हम उसको देखते हैं, गो थ्रू होते हैं उसमें से, इसको सर्वे कहा जाता है। सर्वे इन्वॉल्व्स गेटिंग अ क्विक आइडिया ऑफ द होल राइटिंग पीस। क्वेश्चन, हम फिर क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, अच्छा इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, क्या ये चीज़ें इसमें शामिल हैं, तो हम अपने माइंड में वो क्वेश्चन लेकर आते हैं सर्वे करने के बाद, ये क्वेश्चन अच्छा ये इस चीज़ के बारे में है। देन हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, इंटेंसिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग की, उसके बारे में क्वेश्चन माइंड में डेवलप किए। तीसरे स्टेज पे हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, बहुत तवज्जो के साथ रीडिंग करते हैं चीज़ों को। देन है रिकॉल, जो हमने पढ़ा उसको रिकॉल करते हैं। और देन है रिव्यू, रिव्यूइंग ऑल स्टेप्स, जो भी स्टेप्स हमने लिए उन सबको फिर एक दफ़ा रिव्यू करते हैं ताकि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं हमें अच्छी तरह याद हो जाए। इसको कहते हैं सर्वे क्वेश्चन रीड रिकॉल रिव्यू, SQR3 या SQ3R भी इसको लिखा जाता है कहीं कहीं पर। लास्ट स्लाइड है हमारी आज की, राइटिंग, ये चौथी स्किल है। कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ साइन दैट रिप्रेजेंट्स द अटरेंस ऑफ अ लैंग्वेज, यानी हम इसको रिटन फॉर्म में ले आते हैं वो जो साइन या सिंबल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, ताकि हम उसको अटर करके बोल के आगे जो है अपना पैगाम पहुंचा सकें। तो हम लिखते हैं फिर आगे उसको कोई भी पढ़ता है, बोलता है, फिर आगे वो पैगाम पहुँचते हैं। नैरेटिव राइटिंग, स्टोरी की शक्ल में अगर हम लिखते हैं तो इसको नैरेटिव राइटिंग कहा जाता है। एक्सपोजिटरी राइटिंग सेट्स फोर्थ फैक्ट्स, जो हकायक हैं उनको जो है वो लिखना, इसको एक्सपोजिटरी राइटिंग कहा जाता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जो करंट सिचुएशन है या किसी इवेंट को लिखना, इसको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहा जाता है। पर्सुएसिव राइटिंग, किसी आथर का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो जो लिखता है, इसको पर्सुएसिव राइटिंग कहा जाता है। गाइडेड राइटिंग, एक टीचर क्लूज दे रहा है, वो हेल्प कर रहा है, छोटे प्रॉम्प्ट्स दे रहा है, यानी प्रॉम्प्ट से मुराद ये है कि वो जहाँ पे बच्चे को कोई लिखने में मसला आता है उसको गाइड कर रहा है, तो इसको गाइडेड राइटिंग कहा जाता है। राइटिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। कंट्रोल्ड राइटिंग, कंट्रोल्ड राइटिंग में स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स टू हेल्प देम टू पुट देयर राइटिंग ऑन द पेज। इसमें भी टीचर कंट्रोल राइटिंग में, एक बच्चा लिख रहा है तो लिखने के दौरान टीचर जो है उसको फैसिलिटेट कर रहा है जहाँ से उस बच्चे को मसला है, तो ये गाइडेड राइटिंग की समझ लेंगे दूसरी टाइप है। देन है फ्री राइटिंग, फ्री राइटिंग में बच्चा अपने सोर्सेज से खुद ही लिखता है जो उसका आइडिया है, या एक राइटर अपने ही सोर्सेज को यूज़ करके सब कुछ लिखता है तो इसको फ्री राइटिंग कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन, कन्वर्जन ऑफ स्पोकन वर्ड्स इनटू रिटन लैंग्वेज, मैं जो बोल रहा हूँ आप साथ साथ अगर नोट्स बना रहे हैं तो वो जो आप लिख रहे हैं इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। आर्थोग्राफी, राइटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है कि राइटिंग सिस्टम को आर्थोग्राफी कहा जाता है। डिक्टेशन, जिसे हम इमला कहते हैं, ये राइटिंग का एक टेस्ट है कि आपको जो लिखना आ गया है या आता है या नहीं आता, तो इसको डिक्टेशन कहा जाता है। इज़ यूज फॉर टेस्ट ऑफ राइटिंग। मिसिंग पार्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स इज़ कॉल्ड क्लोज। ये जो एक फिल इन द ब्लैंक होती है, इसमें ये भी इसका डिक्टेशन में भी आ सकता है, या वैसे हमारी जो मिसिंग पार्ट होता है फिल इन द ब्लैंक का, तो उसको क्लोज कहा जाता है।
रिवर एंड टेम्पले ने कहा कि लिसनिंग से हम 45% किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं या हमें टाइम डिवोट करना चाहिए, 30% स्पीकिंग को, 16% रीडिंग को और 9% राइटिंग को। लिसनिंग और रीडिंग ये जो है वो पैसिव स्किल हैं, जबकि स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों प्रोडक्टिव स्किल हैं। एक्सप्रेसिव स्किल जो है वो राइटिंग को कहा जाता है, राइटिंग और स्पीकिंग को। उसके बाद स्ट्रक्चरल लॉ के लैंग्वेज किस तरह से डिज़ाइन की गई है, उसके ग्रामर के जो रूल्स हैं वो किस तरह के हैं, इसको स्ट्रक्चरल लॉज कहा जाता है। और लैंग्वेज इज़ अ व्हीकल फॉर एक्सप्रेशन, लैंग्वेज को कैसे यूज़ किया जाता है अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, इसको फंक्शनल लॉ कहा जाता है। डेविड एंड क्रिस्टल ने कहा कि 100 फैमिलीज़ हैं लैंग्वेज की टोटल, यानी जो जैसे पाकिस्तान की हम बात करें तो ये जो हमारी है उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है, हिंद को है, एट्सेट्रा, तो ये एक फैमिली में आती हैं। तो इस तरह टोटल दुनिया में 100 फैमिलीज़ हैं, जबकि जो टोटल लैंग्वेजेस हैं दुनिया में वो 6,809 लैंग्वेजेस हैं, और जो बोली जा रही हैं इस वक्त वो 3,000 मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं दुनिया भर में जो कि इस वक्त बोली जाती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, कल इंशाल्लाह हम इसको भी एंड करेंगे। इसकी हमारे यहाँ चार स्लाइड्स रह गई हैं, हाँ जी 1, 2, 3, 4 स्लाइड्स, और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा लास्ट चैप्टर है बैच 2 का, वो भी इंशाल्लाह हम कल उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी बतानी